अच्छा यहाँ पर अभी तक मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट का ऑप्शन है, उसके साथ ही कीवर्ड का ऑप्शन है। प्रोडक्ट के साथ हम प्रोडक्ट का नाम निकालते हैं, नाम निकालने के बाद उस प्रोडक्ट को खोल के एसिन कॉपी करके हम सर्च पर जाके मेन कीवर्ड निकालते हैं। जबकि हम जब कीवर्ड्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं तो हमें डायरेक्टली कीवर्ड निकल आता है। ठीक है, वो निकलता कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। कीवर्ड पे आपने क्लिक करना है, सर्च वॉल्यूम फिल करना है, रेवेन्यू प्राइस काउंट ये सब चीजें फिल करनी है, और उसके बाद अपना कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। इनको छोड़ दें दो कॉलम को, शिपिंग साइज स्टाइल हम कौन सा सेलेक्ट करते होते हैं? ठीक स्मॉल ओवर साइज और लार्ज। है, अच्छा, नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए? मैक्सिमम मैक्सिमम थ्री कर दूं। चलें जबरदस्त है। वेरिएशंस कितनी होनी चाहिए? दो, टू और थ्री। मैं आज थ्री कर देता हूँ। मंथली सेल्स यूनिट्स हम ऑलमोस्ट कहते हैं 200। ठीक है, 300 चलें, एक की बात होगी। बीएसआर में आज कहता हूं चलें थोड़ा क्राइटेरिया करते हैं इसको, 26,000 कर देते हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट हमारी हमेशा एफबी एफबीएम होना चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए? 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स। ठीक है मिनिमम 12 मंथ्स होनी चाहिए। कंपेटिंग प्रोडक्ट्स को छोड़ दें, उसके बाद कंपेटिंग रेवेन्यू कंपेटिटर रिव्यूज पे चलते हैं। हमारे रिव्यूअर जो है, जो हमारा कंपेटिटर है सॉरी, उसके रिव्यूज कितने होने चाहिए? ऊपर हमने क्या डाला था, 600 डाला था ना, यही हम दोबारा नीचे डाल देते हैं। मैक्सिमम इतना ही हो कंपेटिटर हमारा। अच्छा, कंपेटिटर रेटिंग को छोड़ दें, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल लग रही है? सर्च वॉल्यूम डाला, रेवेन्यू डाला, रिव्यू काउंट डाला, सब कुछ डाला, ये सब चीज डाली। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कीवर्ड की कॉलम में खासतौर पे ऐसा होता है, आप क्राइटेरिया डालते हैं, आप इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया डाल देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे कोई भी प्रोडक्ट नहीं शो करता, कोई भी कीवर्ड नहीं शो करता। बहरहाल हम इसको सर्च करके देखते हैं हमारे क्या क्या कीवर्ड से शो करता है। अच्छा, आपको याद है इसने प्रोडक्ट के थ्रू, जब हमने प्रोडक्ट के थ्रू किया था इसने हमें प्रोडक्ट दिखाई थी। अब यहाँ पर ये हमें क्या दिखा रहा है? कीवर्ड दिखा रहे हैं। फर्क पता चला? पता चला ना फर्क इस चीज का? यस सर। आगे समझ। अच्छा, ये कीवर्ड्स अभी सिर्फ चार दिखा रहे हैं, हमने क्राइटेरिया बहुत ज्यादा हार्ड थोड़ा बहुत डाल दिया। इसको 5,000 करता हूँ, 5,000 सर्च वॉल्यूम, इसको रेवेन्यू भी 5,000 कर देता हूँ, रिव्यूज थोड़े से, रिव्यूज के ऊपर मसला कर रहा हूँ, कहता हूँ कंपेटिटर के चले 800 हो जाए, इससे ऊपर ना हो। इधर भी 800 कर देता हूँ, 4 ही कर देता हूँ। अब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। अब 5 दिखा दिए उसने। ठीक है, बहरहाल ये आप क्राइटेरिया हल्का फुल्का लीनियर ना, आपको और दिखाता रहेगा चीजें सारी सारी। स्टिल 5 है, और कहाँ से क्राइटेरिया लूज करें थोड़ा सा और वो सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, गार्डन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, कर लेते हैं, मोटिव भी अच्छी चीज थोड़ी बहुत इसके अंदर भी निकल आती है कोई ना कोई चीज, लेकिन इसमें बड़ी चीजें निकलेंगी। खैर इसको कर लेते हैं हम सिलेक्ट। ठीक है, और डी एन वाइट टूल्स कर लेते हैं, ग्रॉसरी छोड़ दें। चलें अब देखते हैं। अब कितने 62 कीवर्ड्स दिखा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज छुड़वाई थी, वर्ड काउंट। अब मुझे कोई ये कीवर्ड सारे देखे, कीवर्ड देखे, हेलोवीन डोर डेकोरेशंस, 60th बर्थडे गिफ्ट्स ऑफ वुमेन, डेकोरेशंस वगैरह वगैरह, फेक प्लांट्स, हेलोवीन ट्रॉप्स, ये सब कीवर्ड्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम नहीं आ रहा, ये कीवर्ड्स आ रहे हैं। बात क्लियर हो रही है मुझे बोल रहा हूँ? जब हम प्रोडक्ट के थ्रू करते हैं प्रोडक्ट का नाम आता है और हम उस प्रोडक्ट के नाम के अंदर से कीवर्ड निकालते हैं। ठीक है, जब हम कीवर्ड के थ्रू अपना क्राइटेरिया लगा के सर्च करते हैं तो वो हमें डायरेक्टली कीवर्ड ही निकाल के दे देता है। क्लियर? अब एक चीज है यहाँ पर वर्ड काउंट के एक ऑप्शन डाला हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको मैं इधर कोई वर्ड दिखाता हूँ, अगर कोई मुझे मिल गया लेटर बॉक्स, ये कितना वर्ड काउंट है? सर एक एक है। कॉपी एंड पेस्ट कीवर्ड जी, कॉपी एंड पेस्ट के मीनिंग में तो नहीं आएगा कीवर्ड्स? नहीं 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 आएगा। अच्छा, ये हमारा वर्ड काउंट कितना है? एक है। ये कितना है सर? दो। दो है। ये कितना है? तीन है। और कोई वाला नजर आता है तो ये कितना है? 5 है।
ठीक है, हमें अच्छे कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं वो हमेशा दो से चार होते हैं। तो मैं अभी आप देखें कितने ये टोटल 62 टोटल दिखा रहे हैं, मैं यहां से दो से चार के अंदर क्लिक कर देता हूं, यानी शॉर्ट से शॉर्ट दो, लॉन्ग से लॉन्ग चार, इससे ऊपर की कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए हमारे पास। आई सर्च अगेन और अब देखता हूं क्या रिजल्ट निकलता है। 62 थे, 51 रह गए, ठीक है। इसके अंदर अब आपको कोई ना तो चार से ऊपर का मिलेगा ना ही दो से नीचे का मिलेगा, ठीक है। वो जो हमने अभी सिलेक्ट देखा था वो कहां गया, वो गायब हो गया, वो मिल नहीं रहा, ठीक है। आपको दो वाले मिलेंगे, तीन वाले मिलेंगे या चार वाले मिलेंगे। अच्छा, अब यहां पर एक चीज है, बड़े गौर से देखिएगा, यहां पर आपको कीवर्ड्स तो वो दिखा देगा बट आपको ये नहीं पता कि ये मेरा मेन कीवर्ड है कि नहीं। अब आपने वन बाय वन करके, ठीक है, इन कीवर्ड्स को सर्च करना है, खुद सर्च करना है, वन बाय वन करके। कैसे सर्च करना है? अब हेलोवीन डोर डेकोरेशन है, आपको पता चल गया कि यार थोड़ा सा ब्रॉड कीवर्ड है, लेकिन चलो चेक करते हैं। आप जाएंगे इसके ऊपर, आप सर्च करते हैं क्या बनता है रिजल्ट। हेलोविन डोर डेकोरेशन था और इसके ऊपर क्या कितनी कैसी कैसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। आपने देखने की यार कोई एक किस्म की तो आ ही नहीं रही, चलो छोड़ो, अब और कीवर्ड भी है। क्रिसमस डेकोरेशन भी थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। फेक प्लांट्स, आपने मार्केट नहीं चेंज की हुई अमेज़न में, सॉरी लाहौर किया हुआ है, मार्केट चेंज की हुई है मैंने अगेन, नहीं नहीं .com .co.uk ही है, सॉरी अमेज़न में कह रहा हूँ, आपने अमेज़न में जाए जो ड्रॉपिंग है आप, सॉरी 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 ठीक है, सारी की सारी प्रोडक्ट्स वो किसी एक किस्म की नहीं दिखा रहा। बट अब मेरे पास, अब आप लोगों को यहाँ पे इंटेलेक्ट लेवल, अब आप लोगों ने अपना जज करना है। आपको कीवर्ड पढ़ते साथ समझ आ जानी चाहिए यार ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, इसके अंदर कोई एक किस्म की प्रोडक्ट निकलेगी नहीं। क्रिसमस डेकोरेशन में भी हजार किस्म की चीजें निकलेंगे, कहीं पे वो गुब्बारे निकल आएंगे, कहीं पे वो क्रिसमस के जो ट्रीज होते हैं वो निकल आएंगे, कहीं पे वो जो बल्ब होते हैं छोटे छोटे, इस तरह की चीजें निकल आएंगी, कोई एक किस्म की नहीं निकलेगी, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे दो चीजें बताता हूँ। एक फेक प्लांट है, मुझे लगता है कि यार ये अच्छा कीवर्ड हो सकता है, हेलोविन प्रॉप्स, इसका मुझे नहीं पता है क्या है। मैं जाता हूँ इस पे सर्च करता हूँ और आप लोग इस कीवर्ड को, आप लोगों के पास जंगल स्काउट पड़ा है ना, मेरा आई गेस खत्म हो गया। इस कीवर्ड को फेक प्लांट्स का जो कीवर्ड है इसके ऊपर जंगल स्काउट रन करना है सबने और उसके स्टैट्स बताने कैसे निकलेंगे, ठीक है। ये कीवर्ड आप लोगों ने चेक करके आना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको ये पता चल रहा है कि यार ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लांट ही हैं। अब आपने क्या करना है, अपना अच्छा सा प्लांट देखना है पहले, तो कोई अच्छा यार ये मेरी प्राइस के अंदर आ रहा है 11, अच्छा ये 19, ये ना ही ज्यादा कम है ना ज्यादा हाई है, अच्छा पैक ऑफ थ्री बेच रहा है, ये पैक ऑफ ये बेच रहा है, ठीक है चलो चेक कर लेते हैं। अब इसके अंदर से आप लोग अभी बताता हूँ कि एक ये प्लांट जो है 20 pound का जो है ये वाला पैक ऑफ थ्री, ये 17 का बेच रहा है, सेम वही बेच रहा है लेकिन इसकी डिजाइनिंग और इसके जो प्लांट का मटेरियल है वो अलग है, फेक प्लांट से सारे के सारे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो हल्का फुल्का सा अलग है। अब आप लोगों ने इस पे जंगल स्काउट रन करना है, आप सो मेरा जंगल स्काउट चल रहा हो, जी होता है ना, हाँ जंगल स्काउट रन करना है, रन करने के बाद मेरा जंगल स्काउट रात ही एक्सपायर हुआ है मुझे लग रहा है ऐसा, रात बैठा हुआ मैं काम कर रहा था। अच्छा ये है, इसके बाद आपने देखना है कि सबसे ज्यादा सेल्स किसकी आ रही है, सबसे ज्यादा सेल्स किसकी आ रही है। मंथली सेल्स में क्लिक करके डबल टैप करके चेक कर लूंगा या फिर रेवेन्यू पे डबल टैप करके चेक कर लूंगा, ठीक है, ये सॉर्ट कर देगा उस चीज को कि यार सबसे ज्यादा सेल्स किस किस बंदे की आ रही है, ठीक है। मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ ना मंथली सेल्स को, मंथली रेवेन्यू को, मैं इसको करता हूँ डबल क्लिक, इसको करूंगा, इसका एरो का जो है ऑप्शन ही नीचे की तरफ आ जाएगा, सबको नजर आ रहा है ऑरेंज एरो नीचे की तरफ हो गए, इट मींस कि मुझे ऑर्डर में दिखा रहा है फ्रॉम हायर टू लो दिखा रहा है। अच्छा ये जो है ये सबसे ज्यादा बिक रहा है, इसकी महीने में सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है, बट हम कहते हैं इसकी प्राइस जो है चलो हमारे अकॉर्डिंगली ठीक है और हम इसको देख लेंगे बाद में, लेकिन हम पॉट की बात अगर करें, ये वाले जो पॉट्स आ रहे हैं कहाँ गए, इसकी बात करें, इसको देखें कि ये बहुत ही कम के अंदर है, ठीक है, और इसके जो बाकी के सारे जो इसके स्टैट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं, सब कुछ कैसे हैं। अब आपने ये इसके जंगल स्काउट खुद रन करके अंदाजा लगाना है पहले तो कि इसकी रेटिंग कैसी है, ठीक है, रिव्यूज वगैरह वो सब आपको पता है। अच्छा जो अब आप ये सब चीजें देख रहे होंगे तो आपने जब अपना कंपेटिटर सिलेक्ट करना है वो किस बेस पे करना है,
आपकी अगर ये प्रोडक्ट है तो आपने देखने कि इसके अंदर और कौन कौन से जो इस तरीके से वो जो खुले हुए पौधे हैं, मतलब कोई पॉट के अंदर नहीं है वो बेचते। अगर आप पॉट वाला कोई कंपेटिटर सिलेक्ट करते हैं तो आप देखें कि पॉट वाले कितने हैं, ठीक है, पॉट वाले कितने, एक ये हो गया और पॉट्स वाले जिसके नीचे गमला टाइप बना हुआ है वो वाले कितने लोग हैं, क्या कितनी प्राइसेस उन्होंने रखी हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट करें कि आपकी प्राइस और आपकी सेल्स के ऊपर कौन से प्लांट ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपकी कौन सी प्राइस के अंदर ज्यादा बिक रहे हैं, कौन सी प्राइस के अंदर कम बिक रहे हैं, आपने यहाँ से अपना कंपेटिटर सिलेक्ट करके माइंड में रख लेना है, ठीक है। फिर उसको खोलना है, उसको खोल कर उसका कीवर्ड निकालना है, किसी एक को भी निकालना है। अब आपने ये वाला भी चेक कर लिया ना, इसके ऊपर जंगल स्काउट रन करके आप लोगों ने चेक कर लिया कि आपके पास रिजल्ट क्या है। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर जो रिजल्ट्स आए हैं वो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, आप किसी भी कंपेटिटर को पकड़े पहले, कंपेटिटर सेलेक्ट करने से पहले आपने क्या करना है, सॉर्ट करके मंथली सेल्स के ऊपर चेक करना है कि कौन सा कंपेटिटर सबसे अच्छा बेच रहा है और कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा बिक रहा है, आपने उस डिजाइन को खोलना है। अगर उस वक्त खोलना है अगर आपकी प्राइस रेंज के अंदर आता है वो सब कुछ, अगर आपका 5 pound का बिक रहा है आप उसको छोड़ दें, 9 से 35 या 40 के दरमियान की प्रोडक्ट है उसको खोलें, उसके अंदर से कीवर्ड निकालना शुरू करें, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर मैं आगे जाऊँ, हेलोवीन प्रॉप्स इज अनदर कीवर्ड, ब्लैक सीड ऑयल इज अनदर कीवर्ड, हेलोवीन गार्डन डेकोरेशन, सब देखें आपको डेकोरेशन पढ़ के समझ आ रही होगी कि थोड़ा सा ब्रॉड जा रहा है कीवर्ड, ठीक है। हीलिंग क्रिस्टल, जब ये मुझे नहीं पता क्या चीज है, इस तरीके से आपके पास। अच्छा, स्पाइडर वेब किसने निकाला था, अभी मुझे कोई कह रहा था कि मैंने स्पाइडर वेब निकाला है, आप लोगों का मौजूद होगा वो बंदा, कोई आप लोगों से मिला था किसी को स्पाइडर वेब, कह रहे थे कि स्टैट्स बहुत अच्छे थे इस चीज के। नहीं मिला था, देखते ही है क्या, वैसे मैंने भी आज तक नहीं देखा। अच्छा, आप लोग आवाज आ रही मेरी? सर आ रही है, आ रही है। अच्छा, ये चीज मिली थी किसी को, ये है क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको बनाना कैसे, स्पाइडर वेब पिलो टाइप है। और डायमेंशन इनकी बड़ी होगी, ये सारे आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं इस टाइम के ऊपर, ये हेलोवीन के अंदर निकलेंगे, वो भी आने ही वाली है, सब के सब आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं। देखें, 1 left in stock, only 8 in stock, 1 in stock, सब खाली हो गए इस सेलर से भी इस टाइम के ऊपर। अच्छा, इस तरीके से आपको समझ आ गई कि कीवर्ड के थ्रू कीवर्ड्स निकालेंगे आप और प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप लोग ऑलरेडी पता है, प्रोडक्ट के अंदर हम क्राइटेरिया डालेंगे, प्रोडक्ट में नाम आ जाएगा, प्रोडक्ट का नाम को एसिन कॉपी करेंगे, एसिन कॉपी करने के बाद उसके कीवर्ड तक जाएंगे। अब कीवर्ड्स के थ्रू जब हम करेंगे तो कीवर्ड्स के थ्रू क्राइटेरिया डालेंगे, एंड तक जाएंगे तो हमारे पास कीवर्ड्स निकाल के दे देगा वो। अब आपने यहां से अंदाजा करना है कि कौन सा कीवर्ड जो है अच्छा कीवर्ड हो सकता है, उसके लिए आपको पहले तो फिल्टर लगाना है वर्ड काउंट का, 2 से 4 के दिखाओ, क्योंकि कोई भी कीवर्ड इतना अच्छा नहीं होता या उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं होता कि वो 5 या 6 वर्ड काउंट पे कीवर्ड बना हुआ, ठीक है, वो इतना अच्छा कीवर्ड नहीं होता। तो अच्छे कितने, 2 से 4 के दरमियान, ठीक है। वाटर बॉटल एक अच्छा कीवर्ड है जैसे कि, और पिंक वाटर बॉटल एक अच्छा कीवर्ड है, 3 हो गए, और प्लास्टिक पिंक वाटर बॉटल, ये 4 कीवर्ड्स का आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने कीवर्ड्स निकालने। अब आपको यहाँ से पढ़ पढ़ के अंदाजा होता रहेगा कि यार कौन सा कीवर्ड अच्छा है कौन सा नहीं है, उसको चेक करते रहे, ठीक है। अगर आपकी कैटेगरीज खत्म हो गई, यहाँ से बंदा अलग अलग करके सिलेक्ट करना शुरू कर दें। मैंने बताया था ना कि अलग अलग करने में क्या फायदा और इकट्ठे करने में क्या नुकसान है, चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। मैंने ये बताया था कि आप जब कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, मैंने 6 के 6 इकट्ठे कर दिए ना, वो अलग बात है कि फिल्टर थोड़ा सा मैंने थोड़ा हैवी लगाया हुआ, तो इस वजह से मुझे सिर्फ 3 पेज दिखा रहा है। तो ये पर पेज जितने मर्जी दिखाए, मैं अगर अलग अलग करके इनको क्राइटेरिया डालूंगा ना, अलग अलग करके कैटेगरी सॉरी सिलेक्ट करूंगा, पहले मैं होम किचन की कर लेता हूँ, फिर दोबारा मैं ऑफिस एंड सप्लाइज की कर लेता हूँ, तो मुझे दिखाएगा इतने ही पेजेस टोटल। लेट्स सपोज 3 दिखा रहा है, तो उसने ऑफिस एंड सप्लाइज के भी 3 ही दिखाने थे, होम किचन के भी 3 ही दिखाने थे, और मैं सबको इकट्ठे करके जब सर्च करूँ उसने फिर भी 3 ही दिखाने। तो अच्छा फायदा ये कि आप सबको अलग अलग करके करें। देखें, क्रिसमस रैपिंग पेपर वो कह रहे ऑफिस सप्लाइज के लिए यूज होता है, अच्छा, और क्रिसमस डेकोरेशन जिसने होम किचन के लिए यूज, ठीक है। ये क्यों नहीं एंटर हो रही, अच्छा आई गेस हो गए सारे, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अब आपको यहां तक समझ आ गई कि कीवर्ड्स के थ्रू कैसे आपने कीवर्ड निकालना है, और प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, और फिर प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका कीवर्ड कैसे निकालना है।
यहां तक सबको क्लियर है? मैं आपको उसी दिन सेम डे आपको मैं ये वाला चीज बता देता, लेकिन मैं चाहता था आप प्रोडक्ट के थ्रू खुद इतनी प्रैक्टिस करें कि आप जब अगली क्लास में आए तो आपको सिर्फ कीवर्ड की चीज बतानी पड़े और कुछ भी ना बताना पड़े आपको, ठीक है? अच्छा, यहां तक क्लियर है तो बताएं मैं आगे मेन चीज पे जाता हूं, जो कि आज हमारी सबसे मजे की चीज है। एक बताएं, यहां तक क्लियर है सबको? आई नो यार हीलियम 10 थोड़ा सा बोरिंग है, अभी आगे पढ़ाऊंगा तो वो बहुत मजा आएगा उन चीजों को देखने में। कंफर्म क्लियर है यहां पर सबको? जी जी, बंदे को क्लियर है यार अभी तक, बाकी सबको नहीं क्लियर? क्लियर है सर। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, मैं आगे नहीं जाता, आप क्वेश्चन राम सुकून से करें मुझसे। अच्छा ना, आप लोग क्वेश्चंस हैं ना, आपको क्लियर है, क्या बताऊं मैं, कोई क्वेश्चन है तो अभी क्लियर करें, अगर चाहते हैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। बताएं, रिपीट करें दोबारा? कर दें सर रिपीट। चलें अब देखें, आप लोगों को प्रोडक्ट के थ्रू आता है या ये चीज भी रिपीट करूं? प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, निकालने के बाद उसका कीवर्ड सेरिब्रो के अंदर जाके कैसे निकालते हैं, यहां तक सबको क्लियर था ना? यस सर, क्लियर। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हमने आज कीवर्ड निकालना था, मैंने आप लोगों से कहा ऐसा हो सकता है कि हम डायरेक्टली कीवर्ड निकाल दें, डायरेक्टली हमारे पास कीवर्ड आ जाए, खुद ब खुद आ जाए, ठीक है? वो कैसे करना होता है, आप कीवर्ड के सेकंड फिल्टर पे जाकर सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगाएं, रेवेन्यू का लगाएं, प्राइस रेंज अपने लिख दें, रिव्यू काउंट लिख दें, रेटिंग लिख दें, ये सब चीजें आप अपनी फिलअप कर दें। फिलअप करने के बाद सर्च करेंगे तो अब आपको प्रोडक्ट का नाम नहीं दिखाएगा, प्रोडक्ट के नाम के अंदर यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर आती होती थी, चले मैं आपको वो भी खोल के दिखा देता हूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग बहुत ज्यादा। आप लोग दोनों फर्क एक दफा देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इसको ज्यादा फिल्टर्स नहीं लगाता, जल्दी जल्दी बस करने की कोशिश करता हूँ। मंथली रेवेन्यू 6000, मैक्सिमम कर देता हूँ 10 और 30 कर देता हूँ, रिव्यू काउंट इसका 1500 कर देता हूँ, ये वैसे ही राउंड फिगर लगाई जा रहा हूँ अपनी तरफ से मैं, ठीक है? रिव्यू रेटिंग 3 कर देता हूँ, एफबीएम कर देता हूँ, सर्च करके देखता हूँ, बाकी सारे फिल्टर्स आप लोगों को पता है कैसे लगाने हैं, ठीक है? तो अब आप देखें, इसने यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स के नाम दिखाए, प्रोडक्ट की पूरी जो टाइटल लाइन होती है वो दिखाई है इसने, ठीक है? जबकि जब आप कीवर्ड्स के थ्रू करेंगे या डायरेक्टली आपको सिर्फ कीवर्ड्स दिखाएगा। यहां तक समझ आ रही है कि यहाँ प्रोडक्ट का क्राइटेरिया डाल के अगर आप सर्च करेंगे आपको प्रोडक्ट दिखाएगा, प्रोडक्ट का फिर आपने एसएन कॉपी करना है, एसएन भी लिखा हुआ है, लेकिन आप प्रेफर ये कि आप इसको पूरा खोलें, खोलने के बाद इसको अच्छे से विजिट करें प्रोडक्ट है क्या, फिर इसके एसएन कॉपी करके, एसएन कॉपी करने के बाद सेरिब्रो में जाके पेस्ट कर दें, फिर सेरिब्रो में जब आप पेस्ट करेंगे वहां से मेन कीवर्ड कैसे निकालें वो सब आपको पता है, ठीक है? मैं स्टैट्स देख रहा था आप लोगों के, काफी सारे लोगों के स्टैट्स आए हुए थे, अच्छे भी थे, तो आप लोगों ने सब चीजें देख ली। जबकि हम कीवर्ड्स के थ्रू करते हैं तो डायरेक्टली हमें सेकंड फिल्टर की तरफ डायरेक्टली हमें कीवर्ड्स दिखा देगा ये। अब कीवर्ड्स को कॉपी करके हम लोगों ने पेस्ट करके चेक करना है कि क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है? और कॉपी करके रिजल्ट देखने के बाद हम जंगल स्काउट रन करेंगे और देख लेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं या कैसे नहीं आए। यहां तक क्लियर है सबको? जी क्लियर है। यस। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने देखा था कि यार जी मैं फेक प्लांट्स पे जाता हूँ क्योंकि ये चीज जो है स्पाइडर वेब वाला है, थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ स्टॉक भी हुआ है ये वाला, इन लोगों के पास इसको थोड़ा रहने देते हैं, फेक प्लांट्स दोबारा खोलता हूँ। खोलने के बाद इस पेज को लोड होने देता हूँ। अब हमारा जो टूल है विच इज वायरल लॉन्च, उसको कैसे यूज करना है, उसके बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन हम सिर्फ एक फीचर यूज करते हैं, और वो कौन सा फीचर होता है, क्या चेक करते हैं हम वायरल लॉन्च के ऊपर, याद है अभी तक किसी को? नहीं सर, प्रोडक्ट की सीजनलिटी चेक करते हैं कि प्रोडक्ट सीजनल है या ट्रेंडी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है? फेक प्लांट्स है, इसके ऊपर मैं कहां पर है मेरा पिन होगा, ये रहा, इसके ऊपर जस्ट मैं वायरल लॉन्च अपना चला कर देखता हूँ, ठीक है? ये आपको ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे, सर्च आपने सिर्फ एक ऑप्शन के ऊपर फोकस करना है, बाकी किसी ऑप्शन को क्लिक नहीं करना, बस लोड होने दें से मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, ये आपको सारा जंगल स्काउट की तरह आपको रिजल्ट देगा, लेकिन हम जंगल स्काउट प्रेफर करते हैं, आपने इस चीज को देखना तक भी नहीं,
ठीक है, ये आपको जंगल स्काउट के साथ रीडिंग दे रहा होगा, इसको छोड़ना है। आपने कीवर्ड छोड़ना है, ट्रेंड छोड़ना है, सीधा आना है एनालिसिस के ऊपर। हम एनालिसिस करते हैं कि ये प्रोडक्ट सीजनल है कि नहीं। अब यहाँ पर लिखा रहा है कीप लुकिंग, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है, मजीद ढूंढो, अभी इतनी अच्छी नहीं मिली अभी तक तुम्हें, ठीक है। कह रहा है कि अगर आपने मंथली सेल्स इसके ऊपर रैंक होना है तो आपको महीने में कम से कम इस प्रोडक्ट को 100 से लेकर 1000 के दरमियान दरमियान आपकी सेल्स जाएंगी तो आप कुछ इसमें सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं कि आपको रिव्यूज जो है इस प्रोडक्ट में सेल आउट करने, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसमें रिव्यूज आपको 60 से 600 के दरमियान तक चाहिए ताकि आप स्टेबिलिटी अपनी कर लो। 60 से 600 के दरमियान, 200 हो सकते हैं, 300 होते हैं, कि आपको इतने रिव्यूज अगर मिल जाते हैं आपको तो आप यहाँ पर स्टेबल कर लोगे। अब ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट टिपिकल है, ठीक है, ये प्रोडक्ट टिपिकल है, ये ऑल ओवर ईयर चलती रहेगी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि ये कहीं पे रुकेगी। अब आप लोगों ने कौन कौन से स्टार्ट शेयर किए थे, जंगल स्काउट की रीडिंग शेयर की थी आप लोगों ने, सर्च वॉल्यूम सर्च निकाला था आप लोगों ने, उसका स्क्रीनशॉट एक शेयर किया था जिसके ऊपर आपको सर्च वॉल्यूम लिखा हुआ था, ठीक है, मैग्नेट के अंदर का। देन आपने उसका ग्राफ था, एक ग्राफ सर्च किया था सर्च वॉल्यूम का, ऑल टाइम ग्राफ। देन आपने गूगल ट्रेंड 5 ईयर वाला सिलेक्ट करके उसके स्टार्ट आपने दिखाए थे। अब उन 4-5 स्क्रीनशॉट्स के अंदर आपको एक ये वाला भी ऐड करना है, ठीक है, याद रहे स्क्रीनशॉट खींचना किधर से किधर तक है, यहां से लेकर, इसको मैं करता हूं, अगर यहां से लेकर इतना स्क्रीनशॉट होना चाहिए, ठीक है, जस्ट इतना। आपका कहीं पे ऊपर कीवर्ड कहीं नजर नहीं आ रहा, मैं अभी भी देख रहा था, अभी भी कुछ लोगों का कीवर्ड शो हो जाता था कहीं पे गूगल ट्रेंड में, लोगों के ऊपर कीवर्ड उनका शो हो रहा होता था स्क्रीनशॉट लेते हुए, कहीं पे यूआरएल के अंदर हो रहा होता था, कहीं पे मैग्नेट के सर्च वॉल्यूम का स्क्रीनशॉट वहां पर शो हो रहा होता था आपका कीवर्ड। तो आपने कीवर्ड छुपाना है जितना आपको स्क्रीनशॉट का, जस्ट आपने उतना स्क्रीनशॉट लेना है यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट, दैट्स इट, ठीक है। फेक प्लांट्स ऊपर लिखा हुआ है, इस कीवर्ड को छुपाना है आपने, जैसे इतना स्क्रीनशॉट लेना है। अब आप लोगों से मुझे कोई एक बताए, मैंने कितने स्क्रीनशॉट्स कहे और कौन कौन से स्क्रीनशॉट्स कहे? सर हमने मैग्नेट पर जाना है पहले, 1 ईयर का लेना है, ऑल द टाइम का लेना है, जेएस का, जंगल स्काउट का लेना है, गूगल ट्रेंड का लेना है, और ये टोटल 4-5 हुए सर, ठीक है। क्लियर हुआ कितने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं? किसी और को अगर अनक्लियर है तो दोबारा पूछे मुझसे, सब कुछ समझ आ गई स्क्रीनशॉट्स कौन कौन से लेने और कितने लेने। जस्ट एडिशन आपकी सिर्फ एक वायरल लॉन्च के स्क्रीनशॉट की हुई है, ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से करना है। अब मेन चीज जो है, आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग यहां तक कंप्लीट आ चुकी है कि नहीं, प्रोडक्ट हंटिंग इसी को कहते हैं। आप लोगों ने वर्किंग करते रहना है, आपको कभी ना कभी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी, जितनी मेहनत करेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं अक्सर देख रहा था एक खलील नाम का, एक यहाँ पर आया, सभी क्लास में नहीं होगा, हाँ नहीं है, उसके स्टैट्स काफी अच्छे आ रहे थे खलील के। और जब आप में से किसी ने पूछा हुआ भी था उससे कि वो इतनी मेहनत कैसे कर रहा होता है, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो 12 घंटे काम भी करता है उसके बाद आके इसको देखता है, तो बड़ी एक हैरानी की बात थी कि वो इतना टाइम मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो उसके स्टैट्स काफी मजे के आ रहे हैं उस बंदे के, क्यों आ रहे हैं कि वो वर्किंग बहुत अच्छी कर रहा है। आप लोग एक दिन इस पे देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3रे दिन आपका दिलो चार्ट हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, आपको 3रे दिन दिल नहीं करेगा आप काम करें, लेकिन मिलता फल उसी को ये जो लगातार काम करता रहेगा, ठीक है, उसी को मिलेगा। अब आप लोगों को जो चीज बतानी है वो ये है, आपने ये 5 स्क्रीनशॉट्स ले लिए, अब आपने करना क्या है, गारंटेड आप स्क्रीन बोला बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई अभी तक, मैं ऐसे ही कर ही जा रहा था, स्क्रीन शेयर करो, आप चली गई, अब शेयर है कि नहीं है, मुझे एक दफा दोबारा बताएं सर, अभी हमारे पास स्क्रीनशॉट, ये मेरा कर्सर हिलता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, जी सर, बस ठीक है, मतलब शेयर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका सीजनल लिखा हुआ अगर आ जाए तो आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ देना है, ठीक है, सीजनल अगर लिखा हुआ है तो उसको छोड़ देना है। यहाँ पर टिपिकल लिखा आ जाएगा, अपकमिंग लिखा हुआ आ जाएगा, और टिपिकल लिखा, सीजनल, इस तरीके से 3-4 वर्ड्स लिखे आ जाएंगे। आपने टिपिकल जब लिखा हुआ आ जाए तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि हम चले जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कीप लुकिंग लिखा हुआ आ रहा है, अगर यहाँ पे हैज पोटेंशियल लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब ये होगा कीप लुकिंग की जगह अगर हैज पोटेंशियल आ जाए कि इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है, आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है, इस चीज का, और इस चीज का ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट टिपिकल है और आपके यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल है। ये देखिए, अभी इसको 2 स्टार्स मिले, या आपके कम से कम 4 स्टार्स होने चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है। अच्छा, आप देखें,
अभी हम इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जा सकते ना? नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्यों नहीं जा सकते? अगर आप आज से 3 महीने पहले इस प्रोडक्ट को चेक करते तो आप जा सकते थे, ठीक है। ये प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट थी, लेकिन इसके बाय द टाइम इसके रिव्यूज बढ़ते गए और सब कुछ बढ़ता गया, तो अब आप इस प्रोडक्ट में नहीं जा सकते क्योंकि ये थोड़ी सी अब सैचुरेटेड हो गई है प्रोडक्ट। आज से 3 महीने पहले जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को ढूंढ लिया था वो इसमें जा भी चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है और उसके रिव्यूज कम है, ठीक है, प्लस उसका रेवेन्यू भी कम है अगर, तो आप उसको नोट करके लिख लें अपने पास कहीं पे, उसके स्टैट्स का एक फोल्डर बना के लैपटॉप में सेव कर लें, उसको 1-2 महीने बाद दोबारा चेक करें कि अब इसके स्टैट्स कैसे हैं। हो सकता है उसके जो रिव्यूज थे वो थोड़े से बढ़े हो लेकिन उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा बढ़ गया हो, ट्रेंड भी उसका अच्छा खासा हो गया हो, पकड़ के सेल आउट करें। अब आपने करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट्स आपके पास 4-5 इकट्ठे हो चुके हैं, अब आपने गौर से सुनिएगा ये चीज। डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर फेसबुक के आपको मैंने कम से कम 15-20 ग्रुप्स के लिंक्स भेजे थे, सबने ज्वाइन किए थे? यस सर। ठीक है, उन सब ग्रुप्स के अंदर आप ज्वाइंट हैं, सब ग्रुप्स के अंदर आपने सबके सब, पहले मैं आपको सिर्फ हमारा ग्रुप कह रहा था, आपने हमारे में तो जैसे आप करते हैं वैसे करना और टैग करते रहना है मुझे साथ साथ, लेकिन बाकी ग्रुप्स के अंदर आपने बेशक टैग नहीं करना, सबके अंदर आपने वही 5 के 5 स्क्रीनशॉट्स आपने 15-20 ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग शुरू कर देनी है। अब सुने, मुझे पता है ये बहुत अजीब लग रहा है आपको और थोड़ा टाइम टेकिंग भी है कि वही 5-6 स्क्रीनशॉट्स दोबारा इकट्ठे करूं और हर ग्रुप को अलग-अलग खोलूं उसमें पोस्ट करूं। सर ये आपने 20 दिन तक करना है, आज तारीख देखें क्या है, ठीक है 31st है, आपने 20 दिन तक ये करनी है हरकत। आप मुझे पता है आप आगे जाते रहेंगे, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग आज इंशाल्लाह ये चीज खत्म होगी, इसके बाद आपको प्रोडक्ट हंटिंग की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ चुकी है, लेक्चर दोबारा देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपने अगले 20 दिन तक डेली 2-3 सेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिस एक सेट के अंदर 4-5 स्क्रीनशॉट हो, डेली डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करने हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ थोड़ा टाइम टेकिंग टास्क है, थोड़ा आप लोगों को चिड़चिड़ाहट भी होगी कि यार क्या करूं कैसे करूं या कैसे नो, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं बुरे आते हैं डजंट मैटर। रायान मेरे ख्याल बोल रहा था कि मेरे स्टैट्स अच्छे नहीं आते, ठीक है, तो मैं इसलिए पोस्ट नहीं करता। मैं योहान था या रायान था, आई डोंट नो कौन था, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा रखें माइंड के अंदर कि आप इस चीज को पोस्ट लाजमी करें, स्टैट्स जैसे मर्जी आते हैं, आप लोगों ने स्टैट्स पोस्ट करने हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और दिन में 2-3 सेट्स आपने लाजमी पोस्ट करने हैं, और ऊपर क्या लिखना है कि ये यूके मार्केट के स्टैट्स हैं, ठीक है, और मुझे इस मार्केट के स्टैट्स के ऊपर सजेशंस दो। अब आपको वो देंगे सजेशंस, ठीक है, डिफरेंट लोग देंगे, पहले आपको हमारे ग्रुप के लोग दे रहे होते थे, अब आपको जगह जगह के लोग आपको सजेशंस देंगे कि आपके अंदर ये मिस्टेक है, आपको वो मिस्टेक है, आपको भी पता होनी चाहिए अपनी मिस्टेक क्या है, इवन दो वो आपको दोबारा बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ये मिस्टेक्स हैं। उससे क्या होगा, आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स आएंगे, आपकी पोस्ट एंगेज होना शुरू हो जाएगी। तो अब आप अंदाजा करें, आप दिन की 3 पोस्ट कर रहे हैं, 3 सेट्स लगा रहे हैं हर ग्रुप के अंदर, बाय द एंड ऑफ 20th डे 20वें दिन के आखिर में इख्तिताम पर आपकी टोटल हर ग्रुप के अंदर कितनी पोस्ट हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, तो जबरदस्त है। अब आप खुद नोट करें 20वें दिन के ऊपर जब आप पहुंचेंगे, जब आप अपने ग्रुप की प्रोफाइल खोलेंगे, आपको मैंने चीज बताई थी ना, जब आप किसी ग्रुप के अंदर प्रोफाइल चेक करते हैं तो आपकी जो आपने पोस्ट किया हुआ था उस ग्रुप के अंदर वो सब शो होना शुरू हो जाता है। तो जब आप अपनी किसी भी ग्रुप के अंदर प्रोफाइल देख रहे होंगे या कोई बंदा आपकी देख रहा होगा, वो देखेगा यार इसने जंगल स्काउट, हीलियम 10, ये वायरल लॉन्च और सबका सेट बनाकर इतनी दफा पोस्ट किया हुआ है, यानी 60 अगर मैं दिन के 3 कहता हूँ और 20वें दिन पे कितने हो जाते हैं, 60 टोटल हो जाते हैं। तो 60 आपके सिर्फ स्क्रीन शॉट्स होंगे, 60 सेट्स होंगे आपके, वो बंदा आपको क्यों नहीं रीच करेगा? आपके स्टैट्स गंदे आते हैं बुरे आते हैं कोई नहीं देखेगा, वो आप कहेगा कि यार ये मेरा क्राइटेरिया प्लीज इसके अंदर जरा हंट करके देखो। आपको नहीं अंदाजा कि कितनी आवाम अभी भरी पड़ी है जिनको लोग मिलते ही नहीं। ये वीएस का रोना लगा रहता है कि जी हमें क्लाइंट नहीं मिलते। वीएस का रोना जायज भी है कि क्यों नहीं मिलते, क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता कि क्लाइंट पकड़ना कैसे, उनको नहीं सिखाया जाता, उनका रोना जायज भी है, उनको काम मैंने पोस्ट वगैरह की थी। हाँ हाँ, तो ना वो नीचे कमेंट करते हैं कि सर्च वॉल्यूम हाइट करें नहीं तो प्रोडक्ट ग्रैब हो जाती है, इस तरह होता है उसका। हाँ एक चीज आपको बता देता हूँ, बहरहाल से इतने ग्रैब नहीं होती यार, एसिस नहीं होती, मैं आपको बताता हूँ वो क्यों मना करते हैं। मुझे एक मैग्नेट खोलने दें,
सर मुझे एक और बात पूछनी थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। जी जी पूछें पूछें। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पहले गए ब्लैक बॉक्स पे गए, फिर सेरेगो पे गए, फिर हम मैग्नेट पे गए, मैग्नेट से हमने सारे स्क्रीनशॉट लिए थे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये टूल यूज करेंगे या मतलब जो आपने अभी तरीका बताया हमें कि हम पहले जाकर उस पर करेंगे या कीवर्ड पे जाके अपना क्राइटेरिया पुट करेंगे तो हमें डायरेक्ट कीवर्ड देगा। Okay. तो हमें जाने की जरूरत नहीं है ना वहाँ पे कीवर्ड के लिए, या अभी भी वही प्रोसेस रखेंगे। मैंने आपको दो तरीके बता दिए। हाँ, दो तरीके बता दिए आपको, कोई जरूरत नहीं दोबारा जाने में। तरीके बताने का मतलब ये है कि अगर आप बोर हो जाते हैं प्रोडक्ट से निकाल निकाल के आप कीवर्ड पे शिफ्ट करें, कीवर्ड से डायरेक्टली कीवर्ड निकालना शुरू करें, ठीक है। ये तरीके हैं आप लोगों के पास। अभी दो तीन तरीके और बताता हूँ, वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और मजा आएगा आप लोगों को उसको सीखने में, तो आपको मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। पहले आप लोग के क्वेश्चन पिक कर लो। अच्छा, ये स्क्रीन शॉट है, ठीक है, फेक प्लांट्स का। अब आपको लोग अक्सर कहते होंगे कि सिर्फ 25,000 शो करवाओ कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 25,000 है, ये एग्जैक्ट 842 ना हाइड कर दिया करो, एग्जैक्टली ये जो आखिरी के दो तीन वर्ड्स हाइड कर दिया करो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं यहाँ पर अपने आपके फिल्टर के अंदर कीवर्ड्स के ऊपर, सॉरी कीवर्ड्स पे जाकर आपका कितना था 842, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम में 841, मैक्सिमम में लिखेंगे 843, और आपकी ये प्रोडक्ट पता नहीं किस कैटेगरी की है, होम एंड किचन या पता नहीं डेकोरेशन टाइप किसी किसी की प्रोडक्ट होगी, आपका यहाँ से फिल्टर सेलेक्ट करेंगे, इसको बंद ही कर दूंगा, यहाँ से आपका कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करके FBM करेंगे और आपकी प्रोडक्ट निकाल देंगे। लोग इस तरह कर देते होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो आपको मना करते हैं कि एटलीस्ट अपनी ये चीज हटा दो, लेकिन ऐसे को इतने सीन्स नहीं होते, कोई इस तरह चोरी नहीं करता, ठीक है। सारे के सारे ऐसे स्क्रीन शॉट शेयर कर रहे होते हैं, चलिए अच्छी बात है, आप इसके ऊपर एक लाइन लगा दिया करें। लाइन कैसे लगा दें, यहां से इसको साइड पे करता हूं, यहां से स्क्रीनशॉट लिया लेकर सिंपली मैंने गया पेन पे, ब्लू पेन, और उसके यहां पर जाके मैंने इस तरीके से हाइड कर दिया, ठीक है। हाइड करने के बाद इसको सेव कर लूंगा, सेव करके ये पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ये करते हैं, अच्छी बात है, चलिए हाइड कर लिया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास काफी सारे स्क्रीनशॉट्स आ गए। मैं जब बात कर रहा था वो ये थी कि अब आपने जब अपने डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अब आप पोस्टिंग करेंगे तो आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी होगी 60 posts of 20 days, ठीक है। अब आप जब उस आपको जब कोई देखेगा अव्वल, तो आप जब डेली पोस्टिंग करेंगे आप लोगों को वैसे ही दिखना शुरू हो जाएंगे, आप मशहूर हो जाएंगे उस ग्रुप के अंदर, ठीक है। जब आप पोस्टिंग इस तरीके से करेंगे आपको बंदे बहुत रीच करेंगे, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्लाइंट सिर्फ आप लोगों को इंशाल्लाह मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा, और मुझे 20वें दिन आप लोग बताइएगा कि हमने ये हरकतें की हैं और हमें मिले। अच्छा, एक चीज कि आपको 20 दिन का इंतजार करना ही नहीं पड़ेगा आपको, या आप करना शुरू करें आपको एक हफ्ते में मिल जाएंगे, करना तो शुरू करें, और जो नहीं करेगा वो फिर 20वें दिन क्या, वो 30वें दिन में जाके ही बोलेगा कि हमें तो कुछ नहीं मिला, हमने तो बहुत किया, हमें कुछ नहीं मिला, हमने बहुत ढूंढा, वो ऐसे ही बोलेंगे। जो करेगा उसका स्क्रीनशॉट मुझे भी शो होते रहेंगे कि यार ये पोस्टिंग कर रहे हैं, ये विजिबल रह रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। वो आपको अच्छे हों या बुरे हों, आपको कोई आपसे नहीं कहेगा कि जी आपके स्टैट्स अच्छे हैं तो ही मैंने आपसे काम करवाने, वो आपकी वर्किंग देख रहे होंगे, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप बहुत अच्छे हैं, वो आपकी स्क्रॉलिंग जल्दी जल्दी करेंगे, देखेंगे यार ये तो इतना काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट हो गया प्रोडक्ट हंटिंग का, फौरन से वो आपको टेक्स्ट करेगा, आपको क्राइटेरिया देगा कि मेरा क्राइटेरिया जरा इसमें ढूंढ देना आप मुझे, आप कैसे लगे, ठीक है, ढूंढ लेना। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है, एक सेकंड, कहने की बात ये कि आप अब जब आपको क्लाइंट मिल जाएगा, जब तक आपको प्रोडक्ट हंटिंग अच्छे से आ जाती है तब आपने प्रोडक्ट हंटिंग का क्लाइंट पकड़ना है। ऐसा नहीं करना कि आपको मिलता है क्लाइंट, आप पोस्टिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग की और आपको आके मिलता है जी पीपीसी का, आपसे कहते हैं पीपीसी चलानी आती है और आप उसे कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी मुझे सब चलाना आता है। ये आपने उस वक्त करना है कि हाँ जी मुझे सब चलाना आता है जब आपको हल्का फुल्का से कम इंटरफेस पता हो कि पीपीसी का या लिस्टिंग का करते कैसे, आपको हल्का फुल्का सा अंदाजा हो, ये उस वक्त करिएगा, ठीक है। लेकिन जब आप हंटिंग का तो स्पेशली मशहूर है, जब हंटिंग की पोस्ट लाजमी करते होते हैं तो आपको मिलता भी हंटिंग का एक क्लाइंट है, आपसे मिलकर कहेगा कि यार जितने पैसे दूंगा मुझे प्रोडक्ट निकाल के दे दो, फिर वो आपको निकाल कर दे देता होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन करें, उसके बाद में आज की जो बहुत मजे की चीज है उसके ऊपर जाता हूँ, फिर पूछें। सर मुझे पूछना था कि जैसे कि हमें तो कीवर्ड मिल गया था, अगर हम कीवर्ड पे जाके करते हैं तो हमें डायरेक्ट कीवर्ड आ गया हमारे पास, अब हम कीवर्ड जो हमारा ये इसको हम जाके मैग्नेट पे पुट करेंगे और फिर वो स्क्रीनशॉट्स लेंगे जो हमें तीन स्क्रीनशॉट लेने मैग्नेट पे जाके ऑल द टाइम, और उसका एग्जैक्टली देखिए मुझे अभी कीवर्ड कौन सा मिला था, फेक प्लांट्स, मैंने फेक प्लांट्स इधर भी सर्च किया, उस पे जेएस भी चलाया, फेक प्लांट्स मैग्नेट पे जाकर किया, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, यहां से मैंने उसका ग्राफ का स्क्रीनशॉट्स भी लिया, फिर मैंने उसके बाद फेक प्लांट्स के जाकर यहां इसके ऊपर क्या
वायरल लॉन्च। अब हम डायरेक्ट चले जाएंगे ना, हमें सेरेबो पे और उस पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से लेकर हम डायरेक्ट चले बस। एग्जैक्टली ठीक है। और किसी को भी क्वेश्चन हो सर? वायरल लॉन्च पे हमें सिर्फ एनालिसिस देखना है और कुछ भी हमारा काम नहीं। कुछ भी नहीं देखना, ये मैं आपको चीज दिखा देता हूं, किसी चीज को नहीं आपने देखना। रुकिए, वायरल लॉन्च ये ये आपको देखें, ये कह रहे हैं कि इसमें एवरेज जो प्रॉफिट बचता है 6 pounds का बचता है, एवरेज प्रॉफिट। हो सकता है जो आप इन एवरेज में से कोई एक प्रोडक्ट निकाले उसमें 1 pound का भी ना बचता हो। तो आपने इन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ एनालिसिस पे फोकस करना है। मैंने आपको बताया कि आपको ये भी आपको जंगल स्काउट की तरह रिजल्ट दिखाता होता है, वायरल लॉन्च हीलियम 10 भी दिखाता होता है आपको जंगल स्काउट की तरह की रीडिंग। आपको इस चीज का पता है? आपको हीलियम 10 की जंगल स्काउट की तरह रीडिंग दिखाते हैं। देखिए मैं अगर खोलता हूँ, यहाँ पे एक्सरे आ रहा है, एक्सरे पे क्लिक करूंगा, क्यों नहीं खुल रहा एक सेकंड अच्छा मुझे अकाउंट चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड अब खुल जाएगा। इस पे अगर एक्सरे रन करता हूँ एक सेकंड उसको रुकने दे, फिर रन करता हूँ एक्सरे। रुक जाना यार। ठीक है, इफ आई रन एक्सरे ऑन दिस प्रोडक्ट तो ये मुझे क्या दिखाएगा? सेम जंगल स्काउट की तरह रीडिंग दिखाएगा। बट हम जंगल स्काउट प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि मोस्टली इंटरनेशनली भी वही टूल यूज हो रहा होता है, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी, क्योंकि सब टूल्स मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट अच्छा खासा वर्किंग कर रहे होते हैं, बट सबसे अच्छी जो वर्किंग करता है वो जंगल स्काउट करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको रिजल्ट्स वगैरह दिखा रहा होगा, तो आपने इस चीज को नोट कर लेना है। आपको सेम वही चीज दिखा रहे हैं जैसे जंगल स्काउट दिखाते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, सेम वायरल लॉन्च के ऊपर आपने जस्ट एनालिसिस चेक करना है, बाकी ना प्रॉफिट कैलकुलेशन चेक करनी है ना कुछ और चेक करना है। प्रॉफिट कैलकुलेशन नेक्स्ट वीक के अंदर मैंने आपको सिखानी है कि प्रॉफिट कैसे निकालना है किसी भी प्रोडक्ट का, और उसके बाद हम लोगों ने सोर्सिंग शुरू करनी है अलीबाबा के साथ। वो जब आप पढ़ेंगे आपको इतना मजा आएगा सोर्सिंग पढ़ते हुए, आप जब बात करेंगे खुद चाइनीज सप्लायर से, उनको टेक्स्ट करेंगे, उनके जवाब आपको आएंगे, तो आप बड़ा मजा आएगा आप लोगों को क्या। अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, अच्छा अब मेन चीज पे जाते हैं आज की। ठीक है, मेन ही पढ़ा रहा हूँ सुबह से। ठीक है, मेन इसको सब क्रॉस करता हूँ। अच्छा यहाँ पे मुझे कोई अच्छा सा कीवर्ड बताएं जो आप लोगों ने सर्च किया हुआ होगा, कोई भी कीवर्ड बता दें अच्छा सा। सर टूल तो हमारे मतलब 10 तारीख को खत्म हो जाने, फिर दोबारा लेने पड़ेंगे। टूल्स का यूजेज ऐसे सब नहीं रह गया प्रोडक्ट हंटिंग में। हाँ लेने तो पड़ते हैं यार आप लोगों को, वैसे ये 2 महीने जो है इसके अंदर अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट इंसान कर ले तो बेनिफिट रह जाता है। ठीक है, ये लेने आपको पड़ेंगे, बट मैं कोशिश करूंगा आपकी जो लिस्टिंग है, क्योंकि लिस्टिंग के अंदर भी आपके टूल्स यूज होंगे, कि आपकी लिस्टिंग जो है मैं आपके इस सबसे पहले पहले तक करवा दूं कवर। ठीक है, तो मैं कोशिश इंशाल्लाह करके आपको कवर अप कर दूंगा सब कुछ। और अगर जरूरत पड़ी मेरी बात दोबारा सुन ले, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपकी बीच में भी क्लासेस रख लूंगा। ठीक है, मैं लाजमी नहीं कि सैटरडे संडे को ही क्लास रखूं, मैं इन 2 दिन के अलावा भी कोई अगर मुझे जरूरत पड़ी कि यार कोर्स के अंदर थोड़ा सा एडिशन करवानी है तो मैं आपको बीच में भी क्लास रख के कुछ करवा दूंगा। सर लेकिन टाइमिंग ये मत रखिएगा सर, क्योंकि ड्रॉप करते हैं ना तो 3 बजे तक पहुंचते हैं। अच्छा चलिए, नहीं वो टाइम आप लोगों की मशवरे से एडजस्ट करके 1-2 दिन पहले ही बताऊंगा कि इस दिन रख लें, तो आप लोग एग्री करते हैं तो उस दिन हम फिर रख लेंगे और टाइमिंग भी आप लोग डिसाइड कर देंगे। ठीक है, और वैसे भी वही बात है कि कुछ यूनिवर्सिटी जाते हैं और मेरे समय तो वापसी आते हैं तो काफी टाइम हो जाता है, तो वो मैनेज करके करेंगे। अच्छा कोई मुझे कीवर्ड नहीं बताया आप लोगों ने? बिल्कुल डिस्पेंसर कह लो सॉरी, क्या क्या कीवर्ड बोले आपने? डिस्पेंसर जी, डिस्पेंसर। इसके आगे पीछे कुछ था? डिस्पेंसर बॉटल विद पंप। मुझे नहीं समझ आ रही, किसी और को समझ आ रही क्या बोल रही है? डिस्पेंसर बॉटल विद पंप। छोटी से कोई प्रोडक्ट कर लें जैसे ग्लव्स हो गए, हॉट पॉट होल्डर हो गया। चलें ये यहाँ पर एक आ रहा है डिस्पेंसर बॉटल। अच्छा आप लोग एक चीज बताऊं, चलें मैं आप ये मजे की चीजें आज सब आपको बता के जाता हूं। आप लोग जब कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने अभी सर्च की थी, एक सेकंड लोडिंग खत्म हो जाए फिर बता दो। डिस्पेंसर बॉटल्स,
आप लोगों को ये शो होता है, ये जो मेरे इतने सारे कीवर्ड्स की सजेशंस आ रही हैं, आपको शो होती है? नो सर। नहीं होती ना। मैं एक सेकंड आपको बताता हूँ आपको क्या शो होता होगा। ये अपना दूसरा क्रोम खोलता हूँ मैं। और सर मैक्सिमम 1 या 2 होती हैं ना। अब आपको इसका बताऊं। यस 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 यस। आप लोगों को क्या शो होता है? चलो इसको मार्केट चेंज करने की जरूरत नहीं है ऐसे। मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्पेंसर। आपको जस्ट एक ये रो शो होती होगी। अच्छा ये शो हो रही है, रुके मैं तीसरा ब्राउजर खोल लेता हूँ। मैंने इसके अंदर भी वो एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। नहीं चल रहा स्पेलिंग ठीक है amazon.com। स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ? मेरा इंटरनेट शायद भी को क्या होगा। आवाज क्लियर है आप लोग? क्लियर है आवाज मेरी? यस सर क्लियर है। अच्छा अब एक दो मेथड्स बताने हैं, उसको गौर से आप लोगों ने देखना है। आपको उस तरीके से प्रोडक्ट्स मिल सकती है, ठीक है? आपको उस तरीके से मिल सकती हैं, आपने ढूंढना है। और बाकी स्टेप्स आप लोगों को पता है कि उसके स्टैट्स वगैरह कैसे चेक करने हैं, ठीक है? दो तीन चीजें बताऊंगा आपको, समझ आएंगी और इंशाल्लाह ऐसे मिले। कभी सोचे कि चाइना बना रहा है सामान, हम चाइना से बनवाते हैं ना, कभी सोचा है कि अगर चाइना बना रहा है तो अगर हम चाइना को देखेंगे वो आजकल क्या बना रहा है तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगी? कभी सोचा है ये? हम अली बाबा से बनवा कर अमेज़न पे सेल आउट करते हैं ना, ऐसा ही है ना? कभी माइंड में आया कि अली बाबा को ना स्टॉक किया जाए थोड़ी देर के लिए कि वो आजकल क्या बना रहा है या उनका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या चल रही है? तो आज हम अली बाबा के थ्रू देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट्स आइडियाज कैसे आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है? सेकेंड थिंग कि एक बंदा जिसने एक चीज खरीदी है, लेट सपोज मैंने एक अमेज़न पे आकर ये खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज खरीदी है, पता नहीं क्या चीज थी, क्या था इसका नाम, वाटर डिस्पेंसर, ठीक है? ये डिस्पेंसर खरीदा है मैंने, तो हो सकता है मैं कोई और किचन रिलेटिव, होम रिलेटिव कोई और प्रोडक्ट भी खरीदूं, और भी खरीदूं, मैं मेरी एक किस्म की मेरी प्रोफाइल बन जाएगी अमेज़न के पास की बंदा एज अ बायर तो बनती ही बनती है, एज अ सेलर तो बनती ही बनती है, एज अ बायर भी एक प्रोफाइल बनती है कि इस बंदे ने और क्या क्या खरीदा है। तो दो ऑप्शन हो गए मेरे पास कि एक अली बाबा के थ्रू देखूंगा अली बाबा क्या क्या बनाता है और क्या क्या बिक सकता है, ठीक है? सेकंड थिंग कि एक बंदा अगर कोई चीज खरीदता है तो उसके अलावा और वो क्या खरीदता है, तो हम उसके खरीदने से अंदाजा लगा लेंगे कि अच्छा ये चीजें खरीद रहा है तो हम ठीक है, हम देखते हैं इसके स्टैट्स कैसे हैं, ठीक है? दो तीन चीजें। अच्छा आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा था, एकदम से फिर इंटरनेट चला गया था कि मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी है तो मुझे यहाँ पर सजेशन शो हो रही है, जबकि मैं अपना थर्ड ब्राउजर खोलता हूँ, इसके ऊपर यही चीज सर्च करता हूँ, मैंने ये चीज सर्च करता हूँ। इसको मैं चले यहां पर मैं लिखूंगा क्या, वाटर डिस्पेंसर था हमारा, वाटर डिस्पेंसर। तो आप लोगों को इस तरह की एक लाइन शो हो रही होती है, ऐसा है ना? आप लोगों जैसे मुझे इतनी ज्यादा जी जी सर आपको नहीं शो होती होंगी। सर मैंने Amazon सजेशन एक्सपेंडर डाउनलोड किया तो मेरे पास आपकी तरह पूरी लिस्ट शो होती है। यस यस यस। अभी मैं इस स्टॉर्म के अंदर मैंने कोई ऐसा एक्सपेंडर वगैरह डाउनलोड नहीं किया हुआ, इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ठीक है? तो मुझे जैसे आप लोगों के पास आती है सेम वही आएंगी। तो एक एक्सटेंशन होती है Amazon सजेशन एक्सपेंडर के नाम से होती है, ठीक है? Amazon सजेशन एक्सपेंडर, ये हेल्पफुल टूल है बहुत ज्यादा, ठीक है? आप इस सजेशन एक्सपेंडर को अपने पास रख लें, इसको खोलें, खोलने के बाद यहां से इसको ऐड टू क्रोम कीजिएगा, ठीक है? ऐड टू क्रोम करके इसकी एक्सटेंशन यहां पे डाल दें। ये मेरा ख्याल अभी मुझसे मांगेगा पासवर्ड वगैरह, देखते हैं। Thank you for installing Amazon. Please refresh any browser. Okay, इसको refresh करते हैं, इसको भी refresh करते हैं और अब हम देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा यहाँ पर से Amazon suggestion आके मैं इसको पिन कर दूंगा, जस्ट मैंने यहाँ पर suggestion expander पिन कर दिया। अब क्या होता है मैं देखता हूँ, क्या हम सर्च करते वाटर, तो suggestions आपके सामने ये शो होना शुरू होंगे। पेज मैंने बहुत ज्यादा बड़ा किया है, उसको छोटा, ठीक है? जस्ट वाटर लिखे तो मैंने अब आपको दाएं बाएं सजेशन शो कर दिए इसने, ठीक है? तो आपको यहां से
कीवर्ड आइडिया मिल सकता है कि क्या क्या लोग सर्च कर रहे हैं, वाटर बोतल, वाटर वाइप्स, वाटर फिल्टर, वाटर फ्लॉजर, फिल्टर जग, तो आपको इस तरीके से चीजें आपको कीवर्ड्स मिलते हैं, वाटर पिस्टल, अब पता नहीं क्या चीज है बट आप उसको सर्च करेंगे तो कोई ना कोई चीज होगी, ठीक है। तो आपको ये सजेशन एक्सपेंडर मजीद कीवर्ड्स दिखाता होता है, तो ये बहुत अच्छा टूल है किस्म का, ठीक है। आप लोग अपने इंस्टॉल करने से, और ये पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री टूल है, इसके कुछ वर्जन पेड होते हैं जो कि हमने कभी यूज भी नहीं किए, यहाँ से इसको कहीं से पे करते होते हैं सेटिंग में जाकर, लेकिन उसको छोड़ें, फ्री का जो चीज है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन थी मेरी, ऑन है, अच्छा ऑन है, ठीक है। अच्छा वापस अपने उसी ब्राउजर पे जाते हैं, इसको बंद करता हूँ मैं। इसको भी बंद करता हूँ, अच्छा अच्छा यहां पर से आपको कीवर्ड सजेशन के आइडियाज मिल गए हैं, ठीक है। आप एक्सपेंडर डाउनलोड कर लें। अच्छा दो चीजें बताइए कि अलीबाबा के थ्रू अभी रहता है एक चीज, और एक बायर को स्पेक्टेट कैसे करने की, बंदा खरीदता कैसे। अच्छा अब देखें इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई प्रोडक्ट निकालते हैं जो अच्छी सी प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस बंदे को कितने रिव्यूज आए हुए हैं, 578 बंदों ने इसको रिव्यूज दिए हुए। मैं इसकी प्रोडक्ट खोलता हूँ, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट खोलता हूँ। प्रोडक्ट खोलने के बाद ये रिव्यूज कहाँ पर है, ये सब रिव्यूज आ गए, ठीक है। अमेजोन कस्टमर IMEM इसका नाम है, एग्नेस इसका नाम है, कार्लिस का नाम है, बहुत सारे रिव्यूअर्स आ गए आपके पास, ठीक है। अब इससे क्या होता है, आप किसी भी एक प्रोडक्ट को खोल लें, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, अच्छा आप देख रहे हैं कि इन बंदों ने प्रोडक्ट खरीदी है ये वाली, और इसके नीचे आके कमेंट किया है, एक रिव्यू किया, और कमेंट क्या किया है, ये बंदा करता है कार्ले की, सो चीप बट सो फंक्शनल, सच अ ब्रिलियंट प्रोडक्ट एंड सेव्स टाइम एंड मेस, क्लोज कंप्लीट एज वेल टू सेव स्पिलेजेस, स्पिलेजेस जैसा मैं पता नहीं क्या चीज है, ठीक है। अब मैं इसकी प्रोफाइल यहां पर इसको क्लिक करूंगा, अगर इसकी प्रोफाइल खुल जाएगी मेरे सामने इस बंदे की, यानी कि इस बंदे ने और क्या क्या खरीदा मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा इस बंदे ने ये चीज खरीदी है, ये पता नहीं क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर है। अच्छा इस बंदे ने पॉलिश नेल फाइल सेट डबल, पता नहीं ये कोई और चीज है, वो भी खरीदा हुआ है। अच्छा इसने आईफोन का कवर खरीदा हुआ है, इसने पता नहीं, अब देखिए आपको बस कितनी सारी चीजें आ रही हैं जो इस बंदे ने खरीदी भी, ठीक है। इस बंदे की सारी की सारी इसने 16 हेल्पफुल वर्ड्स, इसने 33 रिव्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। ऑल एक्टिविटी ऑलरेडी क्लिक है, आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इस बंदे ने और क्या क्या खरीदा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा, अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलती बैक जाए। अब ये मैं आपको प्रोडक्ट आइडियाज दे रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग आपको अच्छे से आती है, मैं आइडियाज दे रहा हूँ आपको। अच्छा अब हम देखते हैं कि इस बंदे ने सैंडी इसका नाम था, लव दिस वाई हैव नॉट आई I had one of these before, so easy to use for taking off nail varnish. अच्छा ये कोई नेल की कोई मटेरियल था, अच्छा आप समझ गए, अच्छा ये है पॉलिश है कोई, अच्छा ठीक है। तो हम किसी को खोलते हैं, इसको खोल देते हैं वापस मिस्टी को। अब हम इसको खोल कर देखेंगे इसने और क्या क्या खरीदा, एग स्लाइसर कटर खोलें इसको, ये प्रोडक्ट है क्या, खोल कर देखें इसका मेन कीवर्ड निकालें, मेन कीवर्ड निकाल के अच्छा वो है, अच्छा अच्छा ठीक है, मेन कीवर्ड्स का निकाल कर, निकालने के बाद उसके स्टैट चेक करें। अब आपके पास ऑप्शंस कितने ज्यादा आ गए ना कि आप किस किस तरीके से हंटिंग कर सकते हैं। आपको नहीं पता था कि इस बंदे ने और क्या खरीदा है, अमेजोन बेसिक्स वेलवेट सूट, अच्छा इसको छोड़ दें, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल इसको छोड़ दें, ये पता नहीं क्या। तो अब आपके पास देखें माइंड खुल रहे ना आप लोगों का कि ये बंदा और क्या क्या चीजें खरीदता है, ये और कितनी चीजें खरीद रहा है और क्या क्या रिव्यूज दे रहे हैं। तो आप इसको देख, इसको आप माइंड में रख के जा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी हो सकती है, इस बंदे ने और कुछ खरीदा है। लेट सपोज अगर किसी बंदे ने ग्लास खरीदे हैं तो जाहिर सी बात है उस बंदे ने कहीं ना कभी ना कभी प्लेट्स भी खरीदी होंगी। अगर किसी ने कोई और चीज होमन किचन भी खरीदी है तो वो होमन किचन में कोई और एसेसरीज भी खरीदी होंगी उसके साथ में। तो आपकी एक जो प्रोफाइल बन जाती है तो वो आपकी, यहाँ पर मैं अगर कोई और कीवर्ड डालू, होमन किचन का कीवर्ड बताए ना, वाटर बोतल ही करता हूँ, क्लियर होगा। अब वाटर बोतल करता हूं, बोल देता हूं इसको ही, इसके पास बोतल रिव्यूज कितने हैं, ये इसके रिव्यूज आ गए तो ठीक है। अच्छा इसको इस बंदे ने इतना लंबा छोटा रिव्यू दिया तो मैं भी अच्छा ही दिया होगा, पढ़ने का टाइम नहीं है, छोड़ते हैं, इसकी प्रोफाइल खोलते हैं और
और इस बंदे को देखेंगे, देखें वैसे ही यार जैसे आप कहीं पे सैलर अकाउंट अपना बनाते हैं, बायर अकाउंट सॉरी, दराज पे कुछ चीज उठाते हैं या कहीं पे भी, तो आपकी प्रोफाइल बन जाती है, तो आपकी सब चीज शो हो रही है इस बंदे ने, इलेक्ट्रिकल लेडीज पता नहीं क्या इस तरीके से चीजें हैं, ये बंडल्स ऑफ आर्टिफिशियल शर्ब्स और बहुत सारी चीजें खरीदी है, यहाँ से आपको आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, आपको काफी कुछ आइडिया यहाँ से मिल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ये बंदा और खरीद रहे हैं। आप लोग आवाज आ रही है ना मेरी? जितना बताया इतना समझ आया कि आप रिव्यूज को किस तरीके से देख के, रिव्यूअर को किस तरीके से देख के स्पेक्टेट कर सकते हैं कि बंदा और क्या क्या खरीदता है, आपको यहाँ से भी आइडिया मिल सकता है, बेसिकली सारे आइडियाज, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, मैं अलीबाबा पे जाता हूँ, अलीबाबा कोई खोलिएगा नहीं अभी फिलहाल, अलीबाबा की जब क्लासेस में अगले सैटरडे से दूंगा तो आपको उस वक्त बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाएगा आप, ठीक है। अलीबाबा का मेरा अकाउंट खुला हुआ है, इसके ऊपर मुझे 8 मैसेजेस आए हैं जो मैंने तक सीन नहीं किए, पता नहीं कब के आए हुए हैं, इसको लोड होने देते हैं। अच्छा अब आपके पास डिफरेंट चीजें यहाँ पर आ रही हैं, काफी सारी चीजें आ रही हैं, पेज लोड हो जाए बस एक दफा, टॉप रेटेड टॉप ब्रांड प्रोडक्ट्स आ रही हैं यहाँ पर और बहुत सारी, अब आप कहीं में भी जाकर कुछ भी सर्च कर लें, ठीक है। कैटेगरी क्यों नहीं खुलती, अच्छा खुल गई है, आपकी होम एंड गार्डन है, ठीक है, होम डेकोर है, बाथरूम प्रोडक्ट्स हैं, गार्डन सप्लायर्स हैं या कुछ भी है, आप जस्ट सिंपली उसको क्लिक करके देखने के और क्या क्या इसमें आ रहा है, मैं करता हूँ बेबी सप्लायर्स प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आता है, क्या करूँ, गार्डन बिल्डिंग्स, मेल बॉक्सेस, क्लॉक्स, कैंडल्स एंड होम फ्रेग्रेंसेस, इसको करता हूँ, चलो डेकोरेटिव में करता हूँ, डेकोरेटिव एक्सेंट्स में क्या क्या आता होता है, एक्सेंट्स में क्या आता है उसको चेक करते हैं। अब देखें ये सारे डेकोरेशन पीसेस आ रहे हैं, ठीक है, आप इनको देखें कि अगर ये पीसेस बना रहे हैं, देखें पहले चीज माइंड में क्लियर रखें, अगर ये बना रहे हैं इसका मतलब है कि ये B2B वेबसाइट अगर बना रही है तो ये अमेज़न में बिकती भी होगी तभी ये बना रही है, ऐसे तो पागल है ही नहीं कि ये लोग बनाए जा रहे हैं और कोई खरीदता ही नहीं है। आपने यहाँ से आइडिया लेना है कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स हैं ये बेच सकते हैं, तो फिर अब आपने यहाँ से तो इसका कोई असर नहीं होता, इनका तो कोई असर नहीं होता, तो आपने यहाँ से कीवर्ड कैसे निकालना, अंदाजे से निकालना, ठीक है। मैं लेट सपोज अंदाजा करता हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ, सारे डेकोरेशन के प्रोडक्ट हैं, इसको खोलता हूँ मैं, ठीक है, इसको खोल कर जैका कार्टून कार ज्वेलरी रिजाइन डियर डेकोरेशंस, अब हो सकता है रिजाइन डियर डेकोरेशंस का कीवर्ड हो, अब आपने अपने अंदाजे से कीवर्ड उठाना है और चेक करना है कि ये बिकता है, अमेजोन पे बिक रहा है, मे भी ऐसी चीज ना, लेकिन इससे मिलती जुलती चीजें आ जाएंगी, क्यों, क्योंकि अमेजोन अगर बना रहे चीजें, सॉरी अलीबाबा अगर बना रहे तो अमेजोन के लिए बना रहे हैं, देखिए आज ही ना संभव चीजें हल्का फुल्का वेरिएशन आई हुई है लेकिन चीज तो वही आ गई, तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ जाकर मैं देखूंगा कि यार अच्छी सब चीजें आ रही है, इसमें से सबसे ज्यादा क्या चीज बिक रही है, देखो तो सही कौन सा डिजाइन बिक रहा है, उसको पकड़ूंगा, उसको पकड़ने के बाद उसका एसिंग कॉपी करके मेन कीवर्ड निकाल के उसके स्टार्ट सेट करूंगा, थोड़ा सा लेंथी है, टाइम टेकिंग है, लेकिन आप लोगों को मजा आएगा अगर आप करेंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से फिर कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, एक सेकंड अभी हो जाती है कैटेगरी सिलेक्ट। इसको रुकने नहीं होता है अभी, जस्ट सेकंड, यहां से कर लेता हूँ वापस। डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट ट्रेस स्टॉपर मैग्नेट्स पता नहीं क्या है, ठीक है, आपके पास डिफरेंट चीजें आ रही हैं। अलीबाबा से अब अलीबाबा से आप लोगों को इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि हम अलीबाबा से भी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, वही बात कि अगर अलीबाबा बना रहा है तो अमेज़न के लिए बना रहा होगा ना, तो अगर इधर आई भी है प्रोडक्ट इट मींस कि ये बिक रही है, तो आपको तीन आइडियाज आज बेसिकली मिल गए हैं कि एक हम रिव्यूअर को कैसे स्पेक्टेट करते हैं, ठीक है, हम अलीबाबा से कैसे कोई अच्छी चीज ढूंढ सकते हैं अपनी मर्जी की, उसके बाद हम सजेशन एक्सपेंडर से कैसे कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और चीज है वो भी आपको बताता हूँ, बड़ी मस्ट है, मैं अगर किसी को खोलता हूँ सर्च किया हुआ था, हमने ठीक है ये सर्च किया हुआ था, ये ब्रांड है ये somehow प्रोडक्ट्स इसकी है, मैं इसको किसी को भी खोलता हूँ, चलें वही खुल गई है, खोल कर यहाँ पे लिखा आ रहा है, बंद करें इसे, यहाँ पे लिखा आ रहा है विजिट द सहारा सेलर स्टोर, सेलर स्टोर इस बंदे का स्टोर आ रहा है, कह रहे कि ये स्टोर खोलो ये और क्या क्या बेच रही है, मैंने इसका स्टोर खोल दिया,
ठीक है, अब स्टोर खोल के मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये बोतलों के साथ साथ ये पता नहीं ये इलेक्ट्रिक लैंप है, ये सम्भाव पता नहीं क्या चीजें, ये भी बेच रहा है। उसके बाद ये कोई डेकोरेशन का कोई चीज है जिसमें चिड़िया खाना खाती है, ये चीजें। अब मुझे इससे भी अंदाजा हो गया कि खरीदने वाला क्या क्या खरीदता है, बेचने वाले की स्टोर में या उसकी दुकान के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई है। बेचने वाले की दुकान में पानी की बोतलें पड़ी हैं, बेचने वाले की दुकान पर ग्लासेस पड़े हैं, मग्स पड़े हैं और क्या क्या चीजें पड़ी हैं। तो यहाँ से मुझे अच्छा खासा आइडिया मिल सकता है कि क्या क्या चीजें वो बेच रहा है। और जाहिर सी बात है अगर इतना पुराना सेलर, इतना बड़ा सेलर अगर कुछ बेच रहा है तो बिकता होगा तो बेच रहा है ना। ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से आइडियाज निकालने। अब मुझे बताएं यहां तक आप लोगों को चीज समझ आई है कि आज हमने क्या क्या किया। मैं इसके आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर कर दूंगा सब चीजों की। आप लोगों को यहां तक समझ के अच्छा लगा, मतलब समझ माइंड में आया कि तीन चार तरीकों से और कैसे हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। या बिल्कुल भी नहीं आया? यहाँ तक तो समझ आ गया कि मेरे पापा के थ्रू निकाल सकते हैं, जो बायर है उसके प्रोफाइल पर जाके हम निकाल सकते हैं। यस, कहीं से भी निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके। अच्छा अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछें। ठीक है, ये सब चीजें छोटी मोटी जो आपको आज बताई है ना, ये बंदे को बस नॉलेज में होनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इस मेथड का नाम पता है कि अब कंफ्यूज ना हो कि अपने आप को कीजिएगा, रैबिट होल मेथड कहते हैं इस चीज को। बायर को या फिर सेलर को स्पेक्टेट करना, इन दोनों मेथड्स का नाम होता है रैबिट होल मेथड। ठीक है, जब आपसे कोई कहे कि आपको रैबिट होल मेथड आता है तो आपने कहना हाँ आता है। हम सेलर के स्टोर को या फिर रिव्यूअर को हम स्पेक्टेट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये जो है क्या क्या बेच रहे हैं और ये बंदा क्या क्या खरीद रहे हैं। हमें यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि क्या बेच रहा है और क्या खरीद रहा है। और आप यकीन करें बायर के सेलर का तो मुझे इस चीज का मैंने नहीं देखी है ऐसे कि सेलर जो चीजें बेच रहा है वो अच्छी निकल आए। अच्छी तो होती है लेकिन रिव्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन मैंने ऐसा बहुत सारा देखा है कि एक बंदा, लेट्स सपोज अगर मैं हूं तो मैं एक बंदे से एक चीज खरीदता हूँ, मेरे स्टोर के मेरे प्रोफाइल पे आ जाती है कि मैंने ये चीज खरीदी हुई है, मैं किसी और से कुछ और खरीदता हूँ, इस तरह खरीदते 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 तो मुझे पता चल गया कि वो बंदा अगर गोरा है, गोरा वहां पे यूके में बैठ के क्या क्या चीजें खरीद रहे हैं। अब हमें क्या पता, हम सुबह सो के उठते हैं और हमें क्या अंदाजा कि गोरे क्या खरीदते हैं दिन के अंदर। हमने तो अपनी हमारी तो मैंने वो बात हमेशा करता हूँ कि हमने तो गोरों ने तो अपने घर में 6-6 कुत्ते भी रखे हुए होते हैं और उनके लाड उठा रहे होते हैं और हर किस्म का उन्होंने अपने अलावा सब जानवर भी रखे हुए होते हैं, तो उनकी एसेसरीज भी चाहिए होती हैं, तो उनकी चीजें स्पेक्टेट करना कि वो क्या क्या खरीद रहे हैं। ठीक है, आपको अंदाजा हो जाता है। और जो आप स्पेक्टेट करते हैं ना, जब स्टॉक करते हैं अपने रिव्यूअर को, अपने खरीदने वाले को, ठीक है, जो आपका खरीद रहा है, जो आपका, ठीक है, बायर जो है, तो आपको पता चल जाता है कि ये चीजें खरीद रहा है, इसका कहीं ना कहीं यूज है। आप उसका कीवर्ड निकाल के सर्च करके स्टैट्स निकाल कर देखें। आपका कोई ये तरीका नहीं है। एक तरीका, सबसे मेजर तरीका जो सबको आता होता है और सारी दुनिया उस पर काम करती होती है, वो क्या है, हीलियम 10 का तरीका। हीलियम 10 से काम करते हैं। अब ये जो तरीका है ये हीलियम 10 का नहीं है, इसको हम कहते होते हैं मैन्युअली हंटिंग कहते होते हैं। ठीक है, मैन्युअली हंटिंग में क्या क्या आ जाता है, आप रिव्यूअर को स्पेक्टेट कर लो, बायर को कर लो, मतलब दोनों एक ही है, आप सेलर को स्पेक्टेट कर लो उसके स्टोर में और क्या क्या पड़ा हुआ है, आप अलीबाबा पे जाके देख लो वो क्या क्या बना रहे हैं, अगर वो बना रहे हैं मींस कि वो बिकेगा तो बना रहे हैं। थर्ड पे आप देख लो कि सजेशन एक्सपेंडर आपको इतना कुछ बता देगा कि ये चीजें सर्च हो रही हैं या इससे रेलिवेंट ये चीजें हैं। तो आपको छोटी 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 चीजें आनी चाहिए। ठीक है, ये इसको मैन्युअली आपको कहते हैं। एट द एंड आपको जरूरत पड़ेगी टूल्स की दोबारा, जब आप जंगल स्काउट रन करके स्टार्ट देखेंगे पड़ेगी, बट जैसे आप ब्लैक बॉक्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स निकाल रहे होते थे, अपनी कीवर्ड निकाल रहे थे, वैसे नहीं आपको करना पड़ेगा। आप सिंपली इन तरीकों से जाएं, आपको मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब मुझे बताएं, लेक्चर यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। अगर कोई किसी का क्वेश्चन रिमेनिंग है तो आप मुझसे पूछें। सही, टूल्स हमें हर महीने परचेज करने होंगे? आप बस 2 महीने कर लें इसको, कैमरा ऑफ कर दें। सर मुझे कंफ्यूजन है, 2 महीने के बाद फिर क्या करें, जब हम मतलब आप अपने सीखने तक, अपने सीखने तक, जब तक आप सीख नहीं अच्छे तरीके से जाते हैं तब तक कोर्स देते रहें। ठीक है, और उसके बाद अपनी वर्किंग, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बस टूल्स 1 महीने की और परचेज करें, करने पड़ेंगे वो आपको। ठीक है, आपको अच्छे से मेहनत जब तक करनी है करने पड़ेंगे। आपको नहीं अंदाजा होता कि आपकी जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं आपको कितना एक बड़ा बेनिफिट दे देती होती है। ठीक है, हम सारी जिंदगी सुनते हैं कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कौन सी होती है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करना इज योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन सुन के हम डरखा देते होते हैं, हम कभी अमल नहीं करते इस चीज के ऊपर। तो वही बात है कि अपनी स्किल सीखने के ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी अपनी ही वो स्किल आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट लग रही है, वो सबसे बेस्ट है आपकी। आपने अगर आप सीख लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज आएगा। कल मुझे एक फीमेल का मैसेज आया था,
वो मुझे कहती है, मुझे नहीं पता वो कौन थे, मुझे कहते हैं आपका बैच चल रहा है अभी। मैंने कहा जी चल चुके हैं, नेक्स्ट बैच का भी मैंने बताया कि आगे अभी शुरू होगा ये वो। तो वो ऑटो कैड की एक्सपर्ट थी। अब 3D एनिमेशन वगैरह इस तरह की कुछ चीजें उनको और भी संभव क्या पता नहीं क्या क्या चीजें बता रही थी। मैं हैरान था कि उनको इतना कुछ आता है। लेकिन मैंने उनसे पूछा आपको इस जो आपकी स्किल है इसको कभी आपने इस चीज को सेल आउट किया है, इस स्किल को आपने बेचा है? उनको नहीं आता था बेचना। तो वो कह रही थी कि मुझे बैच ज्वाइन करना था ये वो। तो इंसान को स्किल सीखने में तो देखें अभी कितने 15-20 लोग हैं जितने भी क्लास लेते हैं, स्किल सबको आती होगी एट द एंड। आर्ट ऑफ सेलिंग किसी किसी को आता होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको वो सेलिंग का तरीका सिखाऊं। अभी मैंने आपको एक चीज बोली है कि आप लोग अगर 20 दिन तक अपने माइंड में रख लेंगे, अपने आप को थोड़ा बहुत कर दें, थोड़ा सा अपने आप को क्या कहते हैं उसे तंग कर लें अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है? तंग करने के बाद जो आपका एडवांटेज होगा वो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, ठीक है? आप अभी देख लें, आप तो बल्कि खुश होंगे डॉलर्स के रेट अभी कितने ऊपर जा रहे हैं, आप लोग तो इस बात से खुश हुआ करें, ठीक है? तो आपका जब डॉलर वगैरह के समय कुछ ना कुछ होना शुरू होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी बात थी, हमने एक राइट टाइम के ऊपर डिसीजन लिया, ठीक है? अगेन मुझसे कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछे। आज वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, या तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आया हुआ या तो बहुत ज्यादा समझ आ गए। अब आप लोग बताएं कैसा समझ आया हुआ आपको। हंटिंग मैंने आपको पढ़ाने से पहले कहा था थोड़ा सा तंग करने वाली चीज है, या आपको थोड़ा सा तंग करेगी भी, और अभी भी मुझे पता है काफी लोगों को तंग करती है, हंटिंग करती है, ठीक है? और मजीद भी करेगी, लेकिन इससे जान नहीं छुड़वानी, इस पर जान लगानी है। आप लोग मुझे ये बताएं कि टूल्स चलते चलते स्टक हो जाते हैं या कोई और इश्यूज बनते हैं, या प्रॉपर जैसे जिंगल स्काउट मेरा रीडिंग दे रहा था अभी, उसने थोड़ा टाइम बाद प्रॉपर रीडिंग दी थी, स्टार्ट उसने अच्छी रीडिंग दी थी, थोड़ा टाइम 1-1.5 मिनट लगा के उसने प्रॉपर फुल पेज लोड किया था। आपके ऐसा होता है या टूल चलते ही नहीं है बेसिकली, क्या होता है? सर जस्ट डिसअपीयर रहता है। डिसअपीयर रहता है, जंगल स्काउट की रीडिंग्स डिसअपीयर रहती हैं। यस सर, वो जंगल स्काउट वाली एरिया बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, एक उस पे जाते हैं फिर वो नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, वो आप लोगों का वो आता होगा सेरिब्रो डेली सर्चेस लिमिटेड, और समहाउ मैग्नेट पे भी आ जाता होगा, तभी जाते हैं ना। उससे मैं दोबारा बात करता हूं, यासिर से मैं उस ग्रुप में भी ऐड होता हूं, दोबारा आप लोगों के सामने होता हूं, ठीक है? उससे भी बात करता हूं कि लिमिट बढ़ा दें। बहुत कोऑपरेटिव है, जरा से तो वो तो फौरन आ जाते हैं और वो सेटिंग वगैरह दोबारा कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन अगर खुल जाइए तो आज मैंने कभी कभी नेट पे भी डिपेंड करता है, अभी खोल ही नहीं रहा। तो आप जब इसका मैग्नेट या सेरिब्रो यूज कर रहे होते हैं तो वो देर से लोडिंग करता है, या आपका एक टर्म लिखी भी आती होती है यहाँ पर अक्सर, डेली सर्चेस लिमिटेड या समहाउ इस तरीके से। अच्छा एक चीज बताएं, आप लोग जब यहाँ से अपना टूल खोलते हैं इस जगह पे आपको दो ऑप्शंस नजर आते हैं, कभी आपने इसको यूज किए कि अगर ये अकाउंट वर्क नहीं कर रहा शायद ये वाला कर सकता होगा, कभी यूज किए? मैं दूसरा अकाउंट खोल के देखता हूँ, अगर ऊपर वाला नहीं कर रहा नीचे वाले पे जाके देखता हूँ, ट्राई करिएगा कभी। अक्सर ऐसे होता है एक अकाउंट अगर वर्क नहीं कर रहा होता दूसरे वाले को खोल के देख लेगा, दूसरा अकाउंट वर्क करेगा। अब ब्लैक मैग्नेट पे चले जाते हैं, प्रैक्टिस करनी है, देख लेते क्या होता है, ठीक है? अकाउंट चेंज लाजमी कर लिया करें अगर एक अकाउंट वर्क नहीं कर रहा होता। मैं क्या करता हूँ, कैंडल सर्च करता हूँ, देखिए मेरा उसने कोई लिमिट सर्चेस नहीं दिखाई, जबकि मैं अगर इस पे करूंगा आपको दिखाता हूँ, अगर मैं अपना अकाउंट चेंज कर लेता हूँ, अकाउंट चेंज करता हूँ बाय एमजी टूल्स वाला कर लेता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि ये मेरा रिजल्ट दिखाता है कि नहीं। टूल्स का इश्यू जब भी हो आपने फौरन फौरन पकड़ना है, इस तरीके देखें, कह रहे डेली सर्चेस खत्म हो गई, ये देखें पैकेजेस मांग रहे आप खरीदो इससे, मैं फौरन अकाउंट चेंज कर लूंगा। यहाँ पे आपके दो अकाउंट पड़े हुए होते हैं, आप दूसरा अकाउंट यूज कर लिया करें, ठीक है? ये चीज आपको पता थी पहले? जी सर,
किसी को भी नहीं पता थी। या आपको यासिर ने नहीं बताया कि अकाउंट चेंज कर लिया करें? दूसरी नहीं तो फिर तीसरी एक्सटेंशन। हाँ हाँ एग्जैक्टली मैंने देखी, मैं वो सब चीजें देखी मैं। वहां पर एक वेब पेज से खुलता है, चार पांच महिला भी खड़े होते हैं वहां पर चेक देखा मैं वो बड़ा। वो भी आसान है ये भी। असल में इसका मसला ये है कि इसको बार बार, अभी मैं आपको लेक्चर देके बंद करूंगा, नेक्स्ट डे आप लोग किस तरीके से जाके अपना हीलियम ऑन कर लेते होते हैं ना, मेरा ऐसे ऑन नहीं होगा। मेरा अलग से इसका जीमेल खोल के इसका सारा वो कॉपी करना पड़ेगा, एचटीएमएल कन्वर्जन करके मुझे ये जो मेरा एक टैब है इसका नाम क्या है, एडिट दिस कुकी, इसके अंदर वो डालना पड़ेगा, डालने के बाद उसको रन करना पड़ेगा। मेरा बड़ा लंबा काम है तो, लेकिन ये सिक्योर काम है थोड़ा सा, ठीक है। और एक और बात आप लोगों को बताऊं कि आपकी प्रोडक्ट हिस्ट्री बनती रहती है हीलियम 10 के अंदर। आप जो चीज सर्च करते हैं ना, आपकी वो हिस्ट्री बनती रहती है, आपके लैपटॉप के अंदर भी बन जाती है, कैच कुकीज होती हैं कैच हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं वो सारी बनती रहती हैं इसके साथ। तो इसीलिए कभी भी जंगल स्काउट सारे एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, अगर शेयर होने वाला हो, अगर पोर्टल वाला ना हो, जो पोर्टल के बगैर वाले जंगल स्काउट होते हैं वो सारे शेयर कर लेते हैं, लेकिन अपना हीलियम कभी भी कोई शेयर नहीं करता किसी से, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट्स शो हो जाती है बंदे को, किस बंदे ने क्या क्या सर्च किया हुआ है, ठीक है। अच्छा अगेन पूछ रहा हूँ, कोई इलेक्शन में कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछे और फिर इस चीज को वाइंड अप करते हैं। सर एक बात बताएगा, मेरे थोड़ी कंफ्यूजन है कि वो जैसे आपने बोला सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स हम जो है हमें नहीं, हमें उसके पीछे नहीं जाना, लेकिन अमेज़न पे ये सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स भी तो बिक रही है ना, कोई ना कोई क्लाइंट तो है कि जो बेच रहा है, तो मतलब जैसे कोई क्लाइंट हमें खुद रीच करेगा कि हमें सीजनल या ट्रेंडी प्रोडक्ट चाहिए तो फिर हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। यस, अगर आपको कोई क्लाइंट रीच करता है जो कहता है कि मुझे सीजनल लॉन्च करनी है, देखिए सीजनल का नुकसान पता है आप लोगों को क्या बताया था? हाँ मतलब वो फिर सिर्फ जो उसका ट्रेंड चल रहा होता है उसी वक्त ही बिकती है, बाकी नहीं बिकती, उसी वक्त ही बिकती है। सेकंड ये चीज जैसे क्रिसमस डेकोरेशंस वगैरह ये सीजनल है। एग्जैक्टली, इससे बड़ी एक नुकसान बताऊं, एक नए सेलर के लिए, पुराना जितना मर्जी बेचे जी सीजनल, उससे हमें मसला ही कोई नहीं। नए सेलर के लिए मसला बताएं पता सबसे बड़ा क्या है, अगर बंदे ने सीजनल के सीजन यानी कि क्वार्टर फोर बोलते होते हैं, तीन महीने के क्वार्टर होते हैं ना, क्वार्टर फोर के अंदर आखिरी क्वार्टर जो होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन तीन महीनों के अंदर भी लॉन्च अपनी करता है, वो बेचारा अगर 10-15-25 लाख से कर रहा था उसको आप समझिए, उसको कि भैया 12-15 लाख अलग से ऊपर साइड पे रखें, उसकी रीजन ये आपकी प्रोडक्ट फौरन खत्म हो जाएगी, जैसे ही आप लॉन्च करेंगे इतनी बिकेगी खत्म हो जाएगी, और जब वो खत्म हो जाएगी चाइना से बनवाने में 40 दिन वहां लग जाएंगे, बनवाने में और पहुंचाने में 40-50 दिन वहां लग जाएंगे। और जब आप 50 दिन का गैप देंगे, आप जो पहले पेज पे अगर गलती से पहुंच भी गए हो चुके होंगे, फौरन आप 10 क्यों आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, और जब आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाए आप आराम सुकून से 10वें पेज पे आके स्टैंड करते हैं, फिर दोबारा मेहनत करें बैठ के पहले पेज पे आने, ठीक है। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है एक नए सेलर के लिए, पुराना जितनी मर्जी लॉन्चेस करे जी उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और की क्वेश्चन? मतलब सर एक क्वेश्चन है मेरा, इस अकाउंट से नहीं है रिलेटेड, वैसे है कि अगर Amazon पे सेलर अकाउंट बना लें तो हम मतलब उसमें काफी चीजें सेल कर सकते हैं कि एक ही टाइप की चीज? आप लोग जवाब दें, सवाल पूछता हूँ, बड़े मजे का सवाल पूछूंगा, आप लोग शायद किसी और से पूछेंगे वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। सवाल ये, आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग और होलसेल का पता है ना? जी। एक ही अकाउंट पे पीएल होलसेल ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो। आंसर करे कोई। अब हमें अमेज़न को ये भी, अमेज़न को क्या पता हमारे पास होलसेल के अंदर मार्केट के अंदर चीजें पड़ी है कि नहीं पड़ी, हमने लिस्टिंग कर देनी है, किसी बंदे से अप्रूवल ले लेना ब्रांड का, हमने ब्रांड की चीज भी बेचना शुरू कर देनी है और साथ में अपनी पीएल की चीजें भी बेचना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अकाउंट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप कर सकते हैं। अच्छा थर्ड चीज आ जाती है ड्रॉप शिपिंग, अमेज़न को क्या पता आप एफबीएम पे क्लिक करें, एफबीए ना करें, आप अमेज़न के साथ काम ना करें, आप एफबीएम पे क्लिक कर दें, ठीक है कि मैं अपनी इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में रखूंगा, ये तो वो अमेज़न को लगेगा आपका अपना वेयर हाउस है,
बट बैकएंड पे आप क्या कर रहे होंगे, ड्रॉप शिपिंग। वो कैसे कर रहे होंगे, आपका ऑर्डर अमेज़न पे आता है, वही ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी और वेबसाइट के ऊपर, वहां से उसको भेज देते हैं, दैट्स इट। अमेज़न को क्या पता, अमेज़न को तो ये पता है कि आप एफबीएम कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों चीजें आप इकट्ठे करते रहेंगे, होलसेल और पीएल करते रहेंगे इकट्ठे, कोई मसला नहीं। जब ड्रॉप शिपिंग बीच में लाएंगे तो अमेज़न को जब पता चल गया आपकी जो सारी की सारी प्रोडक्ट्स, लेकिन डी रैंक खत्म, अकाउंट सस्पेंड, आप सब चीजें साध सकते हैं। लेकिन हम कहते ही हैं कि हम तो ये भी कहते हैं, एक अकाउंट के ऊपर आप चार पांच से ज्यादा प्रोडक्ट्स लाइव करें ना, लोग 20-20 25-25 प्रोडक्ट्स एक अकाउंट पे लाइव करते हैं। हम कहते हैं किसी और घर वालों के किसी और पासपोर्ट के ऊपर अकाउंट खोल लें, लेकिन अपने किसी अकाउंट के ऊपर चार पांच से ज्यादा ना जाए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक प्रोडक्ट को देखना, दूसरी को भी देखना, ऊपर जा रही है नहीं जा रही, तीसरी को देखना कितना जा रही है, किसका स्टॉक खत्म हो गया, किसको कितना मंगवाना है बनवाना है, वो अलग अलग अकाउंट खोलने ताकि अलग अलग आप लोग हैंडल करते रहे, एक अकाउंट के अंदर खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो अभी आप लोगों से मैंने इंडिया के ऊपर, ठीक है, इंडिया के ऊपर आप लोगों से अकाउंट भी बनवाना है, और आपको कहने जितने पंगे ले सकते हो लोग, सेलर सेंट्रल बनवाना आप लोगों से मैंने, और आपसे पंगे करवाने वहां पर मैंने, कि इसके ऊपर अपना डर निकालो, एक खौफ निकालो, सेलर सेंट्रल होता क्या है। इंडिया के क्रेडेंशियल्स के ऊपर अकाउंट बनाओ, बनाकर यूके शुक्रिया पाकिस्तान पे भी बिना बनाओ, इंडिया पे बनाओ, इंडिया का फॉरन अप्रूव होकर बन जाता है, ठीक है। बनाकर जितने पंगे कर सकते हो उसकी हर एक चीज को जाके देखो, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, और वो अकाउंट 7 दिन बाद सस्पेंड हो जाता है, ये भी बता दूंगा। इंडिया का अकाउंट 7 दिन चलेगा, उसके बाद सस्पेंड हो जाएगा, तो 7 दिनों में उसको पंगे कर करके सीख जाओ जितना सीख सकते हो, ठीक है। वो मैं आपसे वो भी बनवाऊंगा मैं, ठीक है। जब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, एट द एंड आपसे वो वाली अकाउंट क्रिएशन भी मैं खुद करवाऊंगा। मेन अकाउंट जब भी बनवाना हो किसी बंदे से बनवाइएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैंने कुछ सेलिंग करनी है, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट पड़ी है, किसी बंदे को हायर करें, वो आपकी कंपनी रजिस्टर करेगा यूके के अंदर, LTD बोलते हैं इसे, वो रजिस्टर करेगा, और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं वो ये लोग जानते होते हैं, ठीक है। आपको वो अमेज़न के अकाउंट वगैरह बनाकर दे देगा आपके अपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर, ठीक है, आपका अपना पासपोर्ट और संभव ये वो उसके ऊपर बना के आपको दे देगा। सर ये हमारे कोर्स में इंक्लूड है? नहीं नहीं, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होती है ये VA से बिल्कुल कोई लिंक नहीं होता इसके साथ, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि ये चीजें आप अलग से बनवाएंगे तो बेहतर है। खुद से कभी भी बैठ के YouTube से वीडियो देख लीजिए, और मैं जी कंपनी भी रजिस्टर कर सकता हूँ, मैं जी अकाउंट भी बना सकता हूँ, कभी भी नहीं करना, किसी प्रोफेशनल बंदे को कुछ पैसे दे के बनवा लेना, ठीक है। हमने भी किसी से बनवाया था, हालांकि YouTube से ये वो सीख के हमने भी बहुत कुछ किया हुआ था, लेकिन रिजेक्शन हो जाती थी, अकाउंट रिजेक्ट हो जाता था, फिर हमें बाद में समझ आती कि एक प्रोफेशनल बंदा अगर कोई कर रहा है और पैसे मांग रहा है तो कोई रीजन होगी तो वो कर रहा है। तो अकाउंट खोलने के अंदर भी बहुत बहुत मुश्किल चीजें फेस करनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। तो आप अकाउंट किसी से खुलवाएं, उसके बाद अपना VA का काम शुरू करें, ठीक है, या अपना जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है वो शुरू करें। अच्छा, और किसी को क्वेश्चन? अच्छा सर, आप एक बात बताएं मुझे कि आपने कहा था कि 2 महीने तक सीखने के लिए ये जो है मतलब ये टूल जो है परचेस कर लें, लेकिन फ्यूचर में जब हमें क्लाइंट मिलेंगे सब कुछ मिलेंगे तब भी तो हमें मतलब ये टूल्स परचेज ही करने पड़ेंगे ना? यस यस यस, फर्दर मैं बताता हूं, है ना, आपको एक मजे की बात बताता हूं। क्लाइंट वैसे करता तो नहीं ऐसी हरकतें, मुझे बहुत पहले जब पहला क्लाइंट मिला था, बहुत पहले मिला था, उस बंदे ने मुझे खुद टूल के पैसे भेजे थे, खुद भेजे थे, वो था ओमान नाम है पता नहीं कंट्री का, ओमान, हाँ, वहां का था। उसको मैंने बोला कि मेरे पास टूल्स नहीं है, उसने मुझे टूल्स के अलग से भेजे थे, मेरे सर्विस चार्जेस अलग से भेजे थे उसने मुझे। हर बंदा ऐसे नहीं करता होता, आपके पास अपने टूल्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है। क्लाइंट आता है आपके पास पड़े चाहिए, हर बंदा इतना अच्छा नहीं होता। मेरा पहला बंदा था और पहले बंदे ने मुझे खुद से परचेज करके दिए थे, मुझे कहता है हंटिंग कर, मेरे को टूल्स ही नहीं है, उसने पैसे भेज दिए उस चीज के। सर हंटिंग के चार्जेस कितने होते हैं वैसे? यार एक अच्छी प्रोडक्ट $200 तक की बिक जाती है, अब $200 आप लगाओ 16,000, तो एक $100 बनता है तो 32,000 तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। सर फाइवर पे तो मतलब $10 में? यार फाइवर को मैं आपको सिखा दूंगा एंड पे, बिल्कुल एंड पे, लेकिन फाइवर पे नहीं काम करना यार, फाइवर पे नहीं करना, वो बहुत सैचुरेटेड, प्लस फाइवर के ऊपर वो क्या कहते हैं हल्के बंदे बहुत ज्यादा है, नहीं सर्वाइव करोगे आप। अपवर्क पे काम अच्छा मिलता है, अपवर्क पे सिखाऊंगा कैसे काम करना है, ठीक है, लेकिन कोशिश फिर भी करनी है लोकल क्लाइंट पे करने की, ठीक है। फ्रीलांसिंग वगैरह आनी चाहिए, लेकिन लोकल क्लाइंट जितना खुले दिल का होता है वो फाइवर शाइवर कुछ भी नहीं देते उस टाइम, ठीक है। फाइवर पे जो पुराने सेलर्स बैठे हुए जो कि बड़ी नीच पकड़ के बैठे हैं वो जगह नहीं दे रहे इस टाइम के ऊपर, ठीक है। मैं आप समझ आ गई है, आपको पता है सोर्सिंग 40 दिन में होती है, फाइवर के ऊपर सोर्सिंग $40-$50 में करके दे देते हैं, और आप यहाँ करवाओ तो आप $300-$400 ले रहे हो तो सोर्सिंग का, सिर्फ फर्क है ना। तो फाइवर पे काम समझाऊंगा सब तरीके से, अच्छे से समझाऊंगा। ये मैंने पूछा था कि हंटिंग उधर $10 की थी, इसलिए मैं हैरान हो गया कि आप मतलब
$200 कह रहे हो देन $10 में कह रहे हो यार ऐसे ही होता है फाइवर बहुत ज्यादा वो हो चुकी है वो छोड़े वो फजूल तरीन चीज है फाइवर बाकी नीशेस के लिए ठीक है जो कि छोटा मोटा काम कर दिए डाटा एंट्री कर दी ठीक है एक्सेल की हल्की फुल्की फाइलिंग कर दी वो उसके लिए ठीक है इतने डॉलर्स बनते हैं ठीक है फाइन ठीक बड़े कामों के लिए फाइवर नहीं है बड़े कामों के लिए अपवर्क है अपवर्क में कैसे काम करने बिडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सब सिखा दूंगा ठीक है लेकिन स्टिल फोकस आपने यही रखना है लोकल क्लाइंट्स के ऊपर और अपवर्क के ऊपर इन दो चीजों पर रखना है ठीक है और क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन हाँ हंटिंग आप लोगों की कंप्लीट है अब आप लोगों ने इस हंटिंग के ऊपर अपना काम शुरू करने और डिफरेंट पोस्ट करते हैं अच्छा अब मुझे आप लोग बताएं कि टेस्ट आप लोग किस दिन देंगे और कैसे देंगे सर टेस्ट ओरल होगा मैं तो चाह रहा हूं कि आप किसी दिन आए वन बाय वन अपनी स्क्रीन शेयर करें और जो जो मैं हिस्सा बोलता हूँ आप वो पांच पांच मिनट में परफॉर्म करते रहे मैं तो ये चाहता हूँ अब आप ग्रुप में भी डिस्कशन करें कि हम थर्सडे रखें फ्राइडे रखें सैटरडे रखें क्या करें तब तक अपनी अच्छी सी प्रैक्टिस करें सर फिलहाल तो मेरा इस वीक तो आप ना करें क्योंकि जो ना मेरे पास अभी लैपटॉप मौजूद नहीं है तो भी मैं इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में परचेस करूंगी तो फिर टूल्स परचेस करूंगी फिर उसके बाद जो है मेरी वर्किंग स्टार्ट होगी एक बात करें टूल्स परचेस अच्छा ठीक ठीक है जल्दी से टूल्स परचेस करें बगैर टूल्स के काम नहीं होगा आपको सब भूल जाएगा मैंने आपको डे वन से बताया था कि लोग के वीडियोस देख लिए सीख लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की कुछ भी नहीं होता फिर लोगों टूल्स मस्ट परचेस मेरे पास एक्चुअली ना लैपटॉप का इशू आ रहा था तो मेरे पास तो आईपैड था तो लैपटॉप नहीं मौजूद तो अब लैपटॉप परचेस अब रीजनेबल कोई लैपटॉप मौजूद नहीं है तो अब एक दो दिन में जो है वो इंशाल्लाह लैपटॉप का अरेंज होगा तो फिर मैं टूल उसी दिन ही परचेस करूंगी तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगी हां लाजमी करें जरूरी है ठीक है और भी क्वेश्चन हो क्योंकि दो मिनट रह गए दो ढाई मिनट रह गए क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें फिर मैं इसको कंपाइल करके आप लोगों के लिए वीडियो अरेंज करके अपलोड करूं कोई भी क्वेश्चन नहीं किसी का खाली प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आया था या लिस्टिंग वगैरह सब हमें ही को ही करनी देनी पड़ती है देखें ये डिफरेंट चीजों के लिए आता होता है आपको मैंने बार बार बताया आपको काम अगर पूरा आ जाता है ना आप एक काम करें देखें आपके पास आपसे कहते हैं कि जी मुझे हंटिंग करनी है आप करके दे दें कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है आप उसको साथ ऑफर भी करवाएं कि मैं आपकी हंटिंग तो कर दी है अगर आप चाहते हैं तो मुझे लिस्टिंग भी बड़ी अच्छी आती है मैं आपकी वो भी कर देती हूँ वो कहते हैं सही है सोने पे सुहागा हो गए इसने इसी से काम करवाता मुझे फजूल में कोई और बंदा ढूंढू ये वो आप उसको कहें मैं पीपीसी भी बड़ी अच्छी चला सकती हूँ चला के दिखाऊं आप कहेंगे ठीक है मैं आपको एक्सेस देता हूँ चला के दिखाएं मुझे पीपीसी आप चला के दिखाएं तो इस तरह से आप दो तीन काम किसी एक बंदे करते हैं आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाता होता है अक्सर ऐसे होते हैं आपको आके बंदा कहेगा कि सिर्फ सर मेरी आप लिस्टिंग बनाते थे बस खत्म आप उसे ठीक है आप लिस्टिंग बनाए पैसे फाइन तो आपने उसको परमानेंट कस्टमर बनाने की कोशिश करते रहना कोशिश कैसे करना है कम्युनिकेशन से अपनी बात ऐसे करनी है कि वो आपको हिशाम सर्वर का पता है ना हिशाम सर्वर कौन है जी जी फ्रीलांसिंग के हाँ बहुत वो किंग है वो हमारी यूनिवर्सिटी से भी अक्सर आते होते हैं तो गुरु पे जो है ना उन्होंने हां guru.com पे जो है मतलब guru.com एग्जैक्टली guru.com पे तो वो कहते होते हैं कि बात अगर अच्छी हो तो इंसान के दिल में आ जाती है दिल में बस जाती है और अगर बुरी हो कम्युनिकेशन पे वो बहुत फोकस करते हैं कम्युनिकेट कैसे किया जाता होता है बहुत फोकस वो बंदा करता है तो अगर बुरी हो तो आपके दिल से बात उतर जाती होती है और वो इतने अच्छे अंदाज में चीज समझाता है ना मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर मुझे दो ही बंदे इस टाइम पे बहुत पसंद है जिन्होंने मुझे क्या आप सबको बहुत कुछ सिखाया एक सनी अली का मैं हमेशा देता हूँ मुझे कहते हैं कि यार एनेबलर्स वगैरह है वो मुझे अच्छे लगते हैं ठीक है बट सनी अली को और जो एक्सट्रीम कॉलेज वगैरह के प्लस शाम सर्वर बहुत मेन लीडिंग हीरोज है पाकिस्तान के ऊपर और मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं मैं इनसे मिला भी हूँ तो आप भी कोशिश किया करें कहीं पे भी हो इवेंट वगैरह इनका अटेंड लाजमी किया करें गैदरिंग एक अच्छी ठीक है अब टाइम और कोई क्वेश्चन है तो फिर आप ग्रुप में पूछेगा ठीक है चलें ठीक है हाँ